ये जो 12.4 है ना, इसके तकरीबन सारे टॉपिक कर लिए हैं, बस एक आखिरी टॉपिक है 12.4.4, ये 378 पेज के ऊपर है। इसमें लिखा हुआ है प्रूव द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन फॉर्मूला ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ये प्रूव करना कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है, इन्होंने सारे प्रूव लिखे हुए हैं। असल में फॉर्मुले हैं, उन फॉर्मुले को इन्होंने प्रूव दिए हैं। तो कितने फॉर्मुले, यहाँ पे 6 फॉर्मुले डिस्कस किए हैं इन्होंने। तो ये 6 फॉर्मुले आप लोग देख लेना 378 379 पे, कोई मसला नहीं है। बस इन्होंने लेट किया है, फिर अगर इधर कॉस इनवर्स है तो उधर जाके कॉस हो जाएगा। फिर वही फॉर्मुले यूज किए हैं चैप्टर नंबर 10 में, जो हमने यूज किए थे, साइन स्क्वायर है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, इस टाइप की चीजें लिखी हुई है। तो ये आप लोग प्रूफ देख लेना, अगर कोई मसला तो मुझसे पूछ लेना, कोई इतना मुश्किल वाली ही नहीं है इसके अंदर चीज जो मैं आप लोगों को करवाऊँ। फॉर एग्जाम्पल एक मैं बता देता हूँ, थोड़ा मजीद आइडिया हो जाए आप लोगों को, कि फॉर एग्जाम्पल फॉर्मूला नंबर 4 मुझे नजर आ रहा है, इसको जरा देख लेता हूँ। ये पेज नंबर 379 पे फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है, कि प्रूफ करो कॉस इनवर्स ए कॉस इनवर्स बी बराबर होना चाहिए कॉस इनवर्स ए बी प्लस स्क्वायर रूट 1 माइनस a स्क्वायर 1 माइनस b स्क्वायर। अच्छा, इनको याद करने का आसान तरीका है, कॉस इनवर्स ए माइनस कॉस इनवर्स बी है तो ये वाला फॉर्मूला होगा। अगर आपके पास कॉस इनवर्स ए प्लस कॉस इनवर्स बी होगा तो यहाँ पे दरमियान में माइनस आ जाएगा, मतलब अगर इधर नेगेटिव है तो इधर पॉजिटिव होगा, और अगर इधर पॉजिटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव आ रहा होगा। तो ये फर्क होगा बस, ठीक है? तो याद करना को इनको ऐसा मसला नहीं होता। इसी तरह साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी, अगर दरमियान में, फॉर्मूला नंबर 1 और 2 की बात कर रहा हूँ, अगर दरमियान में पॉजिटिव आ रहा है तो उधर भी दरमियान में पॉजिटिव आ रहा होगा, राइट हैंड साइड पे देख लो। और साइन इनवर्स ए माइनस साइन इनवर्स बी में, दरमियान में जब माइनस आ रहा है तो उधर भी माइनस आ रहा होगा। सेम टेंजेंट इनवर्स के 5 और 6 जो फॉर्मूले हैं उसमें भी आप देख लो ये पैटर्न आपको नजर आ रहा है। तो याद करना इनको ऐसा मुश्किल काम नहीं है। जहां तक बात प्रूव इन्होंने किस तरह किया है, तो बहुत सिंपल तरीका है कि कंसिडर कर लो कि ये जो कॉस इनवर्स ए है इसको मैं लेट कर लेता हूँ कि अल्फा के बराबर है। मैंने कल भी बताया था जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ना, उसमें आप वैल्यू पुट करते हो और आपको आंसर में एंगल मिलता है। तो कॉस इनवर्स के अंदर कोई वैल्यू उन्होंने पुट की हुई है जिसको ए से रिप्रेजेंट किया हुआ है, इस पूरी चीज का आंसर में आपको कोई एंगल मिलेगा। एंगल को नॉर्मली आप अल्फा बीटा गैमा थीटा इनसे रिप्रेजेंट कर रहे होते हो। तो यहाँ पे 2 एंगल थे इसलिए मैंने अल्फा और बीटा वाली नोटेशन में यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। तो लेट कर लो ये पूरी चीज अल्फा है और इसको लेट कर लो ये बीटा है। तो अगर कॉस इनवर्स है इधर जाके क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा, तो कॉस अल्फा बराबर है ए के, कॉस इनवर्स को उधर ले आओ तो कॉस बीटा बराबर है, ठीक है? ये करने के बाद बच्चों आप अगर ऑब्जर्व करो राइट हैंड साइड पे कॉस इनवर्स आ रहा है। अब ये जो सवाल मैं आप लोगों को करवाऊंगा ना 12.4 में, आखिरी क्वेश्चन जो है, 2 क्वेश्चन जो है उसमें प्रूफ का अलग ही तरीका होता है। हर सवाल में आपको तकरीबन अलग कोई मेथड नजर आ रहा है, तो कोई एक यूनिवर्सल मेथड नहीं है जो मैं आप लोगों को समझा दूं। हल्की फुल्की हिंट आपको मिल सकती है कि जैसे आप राइट हैंड साइड पे देखो कॉस इनवर्स आ रहा है, मुझे यहाँ पे कॉस का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। किस तरीके से, अगर आप इस लेफ्ट हैंड साइड को पिक करो ना, तो ये लेफ्ट हैंड साइड है सिंपल, इस पूरी चीज को आपने लेट किया अल्फा और इस पूरी चीज को लेट किया आपने बीटा, ये है लेफ्ट हैंड साइड, सही? तो अब आप क्या करोगे यहाँ पे, आप यहाँ पे सिंपल एक काम करो, मैं लेफ्ट हैंड साइड पिक नहीं कर रहा, मैं वैसे आप लोगों को बता रहा हूँ। इनको प्रूफ करने का तरीका ये होता है कि बस आप लेफ्ट राइट पिक ना करो, किसी सवाल में पिक कर लेंगे लेकिन वैसे ही आप इसको आराम से प्रूव कर सकते हो डायरेक्ट। कॉन्सेप्ट आप ये देखो कि लेफ्ट हैंड साइड पे ये पूरी चीज अल्फा है और ये पूरी चीज बीटा है, आपस में सब्ट्रैक्ट है तो मैं इनमें माइनस लगा देता हूँ, अल्फा माइनस बी कर देते हैं। और आप क्या करो, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ना इस पे आप कॉस की वैल्यू निकालो, मतलब ये जो अल्फा माइनस बीटा है ना आप इसकी कॉस वैल्यू निकालो। कॉस वैल्यू कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला क्या होता है? और मैं कॉस वैल्यू क्यों निकाल रहा हूँ, क्योंकि राइट हैंड साइड पे कॉस इनवर्स है। ये आपको समझ आ जाएगा जब मैं इसको शिफ्ट करूंगा ना राइट हैंड साइड पे, तो इनवर्स हो जाएगा जाके, दैट्स व्हाई मैं कॉस का फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ यहाँ पे। ये कॉस का फॉर्मूला था, कॉस अल्फा कॉस बीटा साइन अल्फा साइन बीटा। अब अगर आप इस फॉर्मूले में देखो चार चीजें आ रही हैं, आपको कॉस अल्फा पता है, आपको कॉस बीटा पता है, लेकिन आपको साइन अल्फा साइन बीटा नहीं पता। अगेन ये इसी किस्म का क्वेश्चन चैप्टर नंबर 10 में भी आप किया करते थे, आपको साइन अल्फा और साइन बीटा निकालना है, कोई बड़ी बात नहीं है। साइन अल्फा बराबर होता है स्क्वायर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा। फॉर्मूला कहाँ से आया, चैप्टर नंबर 10 में जाके देख लेना, ये फॉर्मूला असल में स्टार्ट हुआ था साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। इस वाली आइडेंटिटी से अगर आप साइन अल्फा की वैल्यू निकालोगे तो ये आएगी, चैप्टर नंबर 10 में भी आपने इस्तेमाल किया था ये। तो यहाँ पे जरा वैल्यू पुट कर दो, कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस अल्फा ए के बराबर है तो कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर के। तो साइन अल्फा की यहाँ पे वैल्यू आ रही है स्क्वायर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर। इसी तरह आप साइन बीटा की भी वैल्यू निकाल लो, साइन बीटा क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा।
स्क्वायर कॉस बीटा बी के बराबर, तो स्क्वायर क्या हो जाएगा, वन माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दो, तो कॉस अल्फा की जगह आपने पुट कर दिया ए, कॉस बीटा की जगह आपने पुट कर दिया बी, प्लस साइन अल्फा की जगह आपने पुट किया वन माइनस ए स्क्वायर, और साइन बीटा की जगह आपने पुट किया वन माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये है लेफ्ट हैंड साइड पे, मतलब ये जो फॉर्मूले में अगर आप देखो तो यहाँ पे कॉस लिखा हुआ है, इस कॉस को बदल ले जाओ, यहाँ पे क्या बचेगा अल्फा माइनस बीटा, ये कॉस उधर जाके हो जाएगा कॉस इनवर्स, और राइट हैंड साइड पे क्या मौजूद है ए बी प्लस, जब दो स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आप ए की स्क्वायर रूट लिखो और उनकी दोनों को चीजों को मल्टीप्लाई करो इस तरीके से, सही है। उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड पे अल्फा बीटा लिखा हुआ है, आप दोबारा वैल्यू पुट कर दो, अल्फा क्या था, अल्फा था कॉस इनवर्स ए, और बीटा क्या था कॉस इनवर्स, तो सवाल प्रूव हो जाएगा आपका कि कॉस इनवर्स ए माइनस कॉस इनवर्स बी इस पूरी चीज के बराबर है। तो यहाँ पे इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का बस तरीका ही होता है, जो लेफ्ट हैंड साइड पे इनवर्स लिखे हुए ना आप उसको किसी एंगल के बराबर लेट करते हो, वो लेट करने के बाद आपने देखना होगा राइट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड में कॉस इनवर्स है, तो यहाँ पे ना आप कॉस वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे, और कॉस वाले फॉर्मूले में ये चीजें आनी होंगी, तो बाकी चीजों को भी हम कैलकुलेट कर लेंगे, फिर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, जब फॉर्मूला में राइट हैंड साइड आ जाएगी आपकी, इस कॉस को आप उधर ले जाओगे, कॉस इनवर्स आपको मिल जाएगा, जो लेफ्ट हैंड साइड पे आपने लेट किया था दोबारा अगर पुट कर दोगे तो आपका सवाल पूरा प्रूव हो जाएगा। तो ये टोटल छह फॉर्मूले हैं, बुक ने इसी तरह लिखा होगा, बस स्टेप्स उन्होंने थोड़े स्किप किए हुए होते हैं, कॉन्सेप्ट अगर आप देखो एग्जैक्ट यही कॉन्सेप्ट उन्होंने डिस्कस किया हुआ है, मैंने अल्फा बीटा लिखा हुआ है, उन्होंने एक्स वाई लिखा हुआ है, एक ही बात है। तो छह फॉर्मूले इनको जरा देख लेना, उसके बाद इन्होंने इन छह फॉर्मूलों को अप्लाई करके भी दिखाया हुआ है पेज नंबर 380 पे और 381 पे, तो अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, वो इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज में सीख लेंगे। तो कहने का मतलब है कि 12.4 के टॉपिक्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं आज की क्लास में, इंशाल्लाह 12.4 हमने कंप्लीट करनी है, आज 12.4 के ऊपर। अब 12.4 में अगर आप देखोगे ना, सबसे पहला सवाल आपके पास आएगा कि विदाउट कैलकुलेटर आपने वैल्यूज निकालनी। यहाँ पर मैं कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहा हूँ, बुक ने ये कॉन्सेप्ट जैसे कल की क्लास में जो बच्चे नहीं आए थे, तो कल की क्लास में मैंने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में पढ़ाया था कि इनवर्स साइन फंक्शन की डोमेन रेंज क्या होती है, इनवर्स कॉस की डोमेन रेंज क्या होती है, इसी तरह इनवर्स टेंजेंट, इनवर्स कॉट, इनवर्स सीकेंट, इनवर्स कोसेकेंट, इन सब की डोमेन रेंज हमने देखी थी। तो इन सब के अगर टॉपिक्स में अगर आप देखो ना, जब बुक ने टॉपिक डिस्कस किया उसके बाद एग्जाम्पल डिस्कस किए हुए हैं कि वैल्यूज निकालेंगे कि कॉस इनवर्स टू, खैर कॉस इनवर्स टू तो नहीं आ सकता, कॉस इनवर्स वन, कॉस इनवर्स 0.5, इसी तरह साइन इनवर्स वन, ये सब वैल्यूज इन्होंने साथ साथ निकाली दी है। तो मैं वो नहीं करवा रहा क्योंकि एक्सरसाइज 12.4 का पहला क्वेश्चन ही यही है कि आपको वैल्यू सारी निकालनी है, तो इसलिए मैंने अलग अलग बुक की एग्जाम्पल्स डिस्कस नहीं की, 12.4 में जितने सवाल है वो मैं डिस्कस कर लूंगा तो वो टॉपिक सारा हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब सवाल है कि वैल्यूज हम निकालेंगे किस तरीके से, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेंजेंट इनवर्स, ये तो ईजी है, मैं आपको बता दूंगा कैसे निकालना है, इसमें तो आपको मसला नहीं होगा। असल है कॉट इनवर्स, इनवर्स और कोसेक इनवर्स, इनमें मसला होगा आपको क्योंकि इसमें तो आप कैलकुलेटर भी यूज नहीं कर सकते, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेंजेंट इनवर्स में तो चलो कैलकुलेटर भी यूज कर लोगे ना, कैलकुलेटर के बगैर भी बताऊंगा, लेकिन कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हो, लेकिन सेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स के लिए कैलकुलेटर भी यूज नहीं कर सकते क्योंकि कैलकुलेटर में ऐसा कोई बटन ही नहीं है। तो अब हल क्या निकालेंगे हम, ये मेरा बहुत ही मशहूर जमाना सवाल होता है जो मैं अपने बच्चों से पूछता हूँ जिनको नहीं आता, आपको भी जरा ट्राई करके देख लेते हैं कितनी नॉलेज है आप लोगों की। कोई स्टूडेंट मुझे बता सकता है यहाँ पे कि सिंपल मैं सवाल पूछ रहा हूँ कि अगर आपको कैलकुलेटर से निकालना हो सैक 30 डिग्री, सिंपल सवाल है, सैक का बटन तो नहीं है कैलकुलेटर में, कैसे निकालोगे तुम लोग, इसी सवाल में पीछे रह गए तो आगे क्या बताओगे। 2/√3 भाई तुम वैल्यू को निकाल लो, मैं मेथड पूछ रहा था क्या आ रहा है भाई। अगर सैक 30 आपको बोला जा रहा है तो आपको पता था सैक किसका रेसिप्रोकल होता था, सैक कॉस का रेसिप्रोकल था। अब सैक का बटन तो आपको कैलकुलेटर में नहीं मिलेगा, तो आप क्या करो, आप कैलकुलेटर में लिखोगे 1/cos और जो एंगल था वो लिख दोगे यहाँ पे, तो सैक 30 बराबर होगा 1/cos 30 के, 1/cos 30 आप कैलकुलेटर से निकाल सकते हो। जब आप यहाँ पे निकालोगे तो इस टाइप की कोई आपके पास वैल्यू आ रही होगी 2/√3 करके, कैलकुलेटर शायद इसको रैशनलाइज कर दे। इसी तरीके से अगर मैं आपको बोलूँ कि यार आपने निकालना है 60 डिग्री, तो आप कैलकुलेटर में लिखोगे 1/sin 60 क्योंकि कैलकुलेटर में कोसेक का बटन नहीं है, साइन का बटन है, तो आप कैलकुलेटर में जाके लिखोगे 1/sin 60 और अगेन वैल्यू सेम ही आ रही होगी, 2/√3 आ रही होगी, इस तरीके से आप निकालते हैं। मसला वहां पे होता है कि बच्चा यही मेथड ना इनवर्स के अंदर भी यूज करता है, कि अगर उसके पास सवाल आ जाए सैक इनवर्स फॉर एग्जाम्पल 2, वो यही टेक्निक लगाने की कोशिश करता है और उसको लिखता है 1/cos 2 क्योंकि अगेन सैक इनवर्स का बटन आपको नहीं मिलेगा, तो वो क्या कहता है, वो कहता है कि सैक इनवर्स बराबर
कॉस इनवर्स के, सेक इनवर्स टू की वैल्यू निकालते हो, कैलकुलेटर में जाओगे और लिखोगे वन अपॉन कॉस इनवर्स टू, कैलकुलेटर एरर दे देगा, कॉस इनवर्स टू तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। हालांकि सेक इनवर्स टू की वैल्यू एग्जिस्ट करती है, लेकिन आपने मेथड गलत यूज किया ना, तो ये वैल्यू कैलकुलेटर दे ही नहीं रहा होगा, हालांकि इसकी वैल्यू एग्जिस्ट करती है, क्योंकि गलत मेथड यूज किया आपने। तो अब सही मेथड क्या है भाई? ये वाला काम आप नहीं कर सकते भाई। सेक, सिंपल सेक फंक्शन जो है उसको तो आपने डिफाइन ही ये किया था ना। जैसे अगर जब मैंने ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करवाई थी तो मैंने सबसे पहले आप लोगों को बोला था कि जो रेसिप्रोकल है कॉस का उसको आप सेक कहते हो। सेक को तो हमने डिफाइन ही इस तरीके से किया ना कि वो रेसिप्रोकल है कॉस का, उस पर तो आप ये काम कर सकते हो। लेकिन जो सेक इनवर्स है, सेक को तो हमने डिफाइन कर दिया। अब सेक इनवर्स को जब आप निकालोगे तो आप वही वाला प्रॉपर्टी यूज करोगे जो आपने डिफाइन की थी कि सेक रेसिप्रोकल है कॉस का। इस प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करके आप सेक इनवर्स का फॉर्मूला निकालोगे, डायरेक्ट आप इस तरह नहीं कर सकते। आप प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करके किस तरह सेक इनवर्स निकालोगे जरा उसको ऑब्जर्व कर लो। कि बिलफर्ज अगर मुझे निकालना है सेक इनवर्स एक्स, सिंपल सी बात करते हैं, मुझे प्रॉपर्टी यूज करनी, मैं डायरेक्ट नहीं इसको बोल सकता कि सेक इनवर्स वन अपॉन कॉस इनवर्स है, क्योंकि आपने ये तो कहीं नहीं पढ़ा होगा ना कि सेक इनवर्स रेसिप्रोकल होता है कॉस इनवर्स का, इसी बुक में आपको नहीं मिलेगा। हाँ ये आपको मिलेगा कि सेक रेसिप्रोकल होता है कॉस का, तो हमने डिफाइन इस तरीके से किया हुआ था इसको। तो अब इसकी वैल्यू क्या होगी, एज्यूम कर लो कि इसकी वैल्यू में आपको कोई थीटा मिल रहा होगा, क्योंकि इनवर्स में जब आप कोई वैल्यू पुट करते हो आंसर में आपको एंगल मिलता है ना। सेक इनवर्स को उधर ले जाओ तो ये एक्स बराबर हो जाएगा सेक थीटा की। आपने डिफाइन किया हुआ है सेक थीटा क्या होता है, वन अपॉन कॉस, ठीक है। कॉस को उधर ले जाओ, एक्स को उधर ले आओ, तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा, कॉस को उधर ले जाओ, कॉस इनवर्स वन अपॉन है। तो अगर आप इस इक्वेशन को देखो और अगर आप इस इक्वेशन को देखो, दोनों तरफ थीटा आ रहा है, ये चीज भी थीटा के बराबर है, ये चीज भी थीटा के बराबर है, तो अल्टीमेटली ये वाली साइड और ये वाली साइड भी आपस में बराबर होगी। तो यहां से आपको क्या मिलेगा कि सेक इनवर्स एक्स किसके बराबर है, कॉस इनवर्स अपॉन एक्स के। इस तरीके से आप कैलकुलेटर में पुट करोगे, क्या मतलब? अब जरा देखो, अगर आपको बोला जाए कि सेक इनवर्स टू निकालो, तो आपने कैलकुलेटर में पता है क्या पुट करना है, आपने कैलकुलेटर में दबाना है बटन कॉस इनवर्स का, जिस वैल्यू पे आपको सेक इनवर्स निकालना है ना उस वैल्यू को आप यहाँ पे रेसिप्रोकल करोगे। जैसे मुझे एक्स का निकालना था ना, तो मैंने कॉस इनवर्स में एक्स का रेसिप्रोकल पुट किया। तो अगर आपको सेक इनवर्स टू निकालना है तो आप कैलकुलेटर में पुट करोगे कॉस इनवर्स वन अपॉन टू, ये करेक्ट तरीका है। रॉन्ग तरीका क्या है कि आप कैलकुलेटर में ये चीज पुट करो, ये रॉन्ग तरीका है। क्या आप लिखो सेक इनवर्स वन अपॉन कॉस इनवर्स, नहीं, इन दोनों में फर्क क्या है? इसमें आप क्या कर रहे हो, आप कॉस का कॉस इनवर्स को रेसिप्रोकल कर रहे हो, जबकि इसमें आप वैल्यू को रेसिप्रोकल कर रहे हो। टू था यहाँ पे, आपने क्या पुट किया, वन अपॉन टू। तो इसकी कोई लॉजिक नहीं है, जबकि इसकी लॉजिक है, हमने पूरा जो मैथ का ट्रिग्नोमेट्री इस्तेमाल करके हमने ये फॉर्मूला पूरा डिराइव किया है कि सेक इनवर्स एक्स बराबर होता है कॉस इनवर्स वन अपॉन एक्स। तो अगर आपको कैलकुलेटर में सेक इनवर्स टू की वैल्यू निकालनी है, आप जस्ट कैलकुलेटर में पुट करो कॉस इनवर्स, जो वैल्यू आपको यहाँ लिखी हुई है उस वैल्यू का रेसिप्रोकल कर दो, टू है तो वन अपॉन टू कर दो, देख लेना कैलकुलेटर में कल में 60 डिग्री आंसर दे रहा होगा। अब जिस जिसके पास कैलकुलेटर है जल्दी से मुझे बताओ इसका आंसर क्या होगा। कॉसेक इनवर्स टू अपॉन रूट थ्री, जल्दी बताओ इसका आंसर क्या है, कैलकुलेटर से निकालो। सर इसमें साइन इनवर्स अंडर रूट थ्री अपॉन टू तो नहीं? साइन इनवर्स अंडर रूट थ्री अपॉन, हाँ एक्सेलेंट, यही होगा। कॉसेक इनवर्स है ना, तो आप कैलकुलेटर में लिखोगे साइन इनवर्स, जो वैल्यू है उसको रेसिप्रोकल करो, टू अपॉन रूट थ्री है तो आप लिखो रूट थ्री अपॉन, और ये चीज कैलकुलेटर से निकालो, मतलब 60 डिग्री आंसर आ रहा था। एक्सेलेंट, तो इसका मतलब आप लोग सीख गए हो। तो यही फॉर्मूला जैसे आपने ऊपर सेक इनवर्स का पढ़ा था ना, ये चीज आप कॉस इनवर्स के अंदर भी लिख सकते हो कि सॉरी कॉसेक इनवर्स, कि कॉसेक इनवर्स एक्स इसके बराबर होगा साइन इनवर्स वन अपॉन एक्स, वैल्यू को रेसिप्रोकल कर दिया। इसी तरह सेक इनवर्स का फॉर्मूला भी लिख देता हूँ मैं आप लोगों के सामने। यहां तक तो बात बड़ी आसान है। अब जरा टेन इनवर्स की भी बात करते हैं, टेन इनवर्स को भी ऐसे लिख देते हैं कि टेन इनवर्स एक्स बराबर है कॉट इन सॉरी कॉट इनवर्स की नॉर्मली वैल्यू। अच्छा आप इसको उल्टा भी लिख सकते हो, जैसे चीज है ना आप इसको उल्टा, इसी चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, sec इनवर्स वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू cosec इनवर्स एक्स, आप इस तरह भी लिख सकते हो, कोई मसला नहीं है। मतलब आप इधर वन अपॉन एक्स लिख दो इधर एक्स, लेकिन इसकी नॉर्मली जरूरत नहीं पड़ती ना, हम वैल्यू निकालते हैं sec इनवर्स की, cos इनवर्स की वैल्यू नहीं निकाल रहे होते हम, क्योंकि cos इनवर्स का तो बटन है ना डायरेक्ट कैलकुलेटर में,
हम मेहनत करते हैं sec इनवर्स की, क्योंकि sec इनवर्स का बटन नहीं है, तो आप इसको कन्वर्ट करते हो cos इनवर्स में। भाई cos इनवर्स का तो डायरेक्ट बटन है, तो इसको sec इनवर्स में कन्वर्ट करने की कोई तुक नहीं है, लेकिन हो सकता है, बिल्कुल अलाउड है। अगर आप ये चीज प्रूफ करना चाह रहे हो तो आप स्टार्ट करो इससे, जैसे आपने sec इनवर्स x से स्टार्ट किया था ना, अगर ये चीज आपने प्रूफ करनी है तो आप स्टार्ट करो इससे, एंड पे आप देखोगे ये चीज प्रूव हो रही होगी। लेकिन इसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप असल में चाह रहे हो कि cos इनवर्स sec इनवर्स के sec इनवर्स x के फॉर्म में आपके पास फॉर्मूला है, एक्स होगा कोई भी वैल्यू जो आपको सवाल में गिवन होगी, जैसे यहाँ पे वैल्यू 2 गिवन थी, लेकिन हो सकता है, लेकिन हम प्रेफर नहीं करते इसको फालतू चीजों में। तो आ जाओ cot इनवर्स, क्योंकि cot इनवर्स बटन भी नहीं है, तो मैं क्या लिखोगे, tangent इनवर्स। ये वो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो बुक ने मेंशन किए हुए नहीं है, उन्होंने जो एग्जांपल सॉल्व की हुई है ना वो सारी इसी से रिलेटेड की, मतलब कॉन्सेप्ट उन्होंने ये वाला यूज किया है। अगर आप देखो ना रेसिप्रोकल करके उन्होंने सॉल्व किया है, ये वाला फॉर्मूला डिस्कस नहीं किया, तो बेहतर है ये वाला कॉन्सेप्ट बार बार यूज करने से बेहतर आप डायरेक्ट ये रिजल्ट यूज कर लो, ये रिजल्ट आपने इसी टेक्निक से निकाला ना, तो बुक ने बार बार ये टेक्निक डिस्कस की हुई है, जबकि मैंने इन टेक्निक का जो फाइनल फॉर्मूला है वो आप लोगों को करवा दिया। पेपर में तो खैर सवाल नहीं आएगा, क्योंकि ये सवाल एमसीक्यूज में ही आएगा, लेकिन एमसीक्यूज में भी सेंस नहीं बनेगी, क्योंकि कैलकुलेटर तो है, विदाउट कैलकुलेटर का क्या मतलब है, तो कैलकुलेटर से आसानी से वैल्यू निकाल लोगे। लेकिन sec इनवर्स cosec इनवर्स cot इनवर्स दे सकते हैं फिर भी आपको, क्योंकि कैलकुलेटर में इसके बटन नहीं होते, तो अगर आया तो ये एमसीक्यूज में आ जाएगा, तो खैर इसकी सेंस नहीं बनती। तो ये जो बुक का तरीका था उसको मैंने थोड़ा रिफाइन करके फॉर्मूले बना दिए, इस तरह आप सॉल्व करोगे तो आपको बड़ी आसानी होगी जब मैं 12.4 के क्वेश्चन सॉल्व करूँ। एक मसला है यहाँ पे, वो मसला क्या है, cot इनवर्स मसला करेगा, मैं आप लोगों को बताता हूँ क्यों मसला कर रहे हैं। cot इनवर्स के अंदर दो फॉर्म है, मसला ये है कि अगर आप मैं रीजन बता रहा हूँ कि रीजन ऐसा हो क्यों नहीं है, दो फॉर्मूले अलग हैं क्यों, फिर मैं बताऊंगा इन फॉर्मूलों को इस्तेमाल कैसे करना है। पहले रीजन देख लो, कल जाना, मैंने कल की क्लास में आप लोगों को डिटेल में टॉपिक डिस्कस किए थे, आप जाके देखना साइन इनवर्स sec इनवर्स इनकी जाके रेंज देखना, इसकी रेंज भी होती है -π/2 से लेके, साइन इनवर्स की भी यही रेंज थी, जाके देख लेना, और cos इनवर्स की भी यही रेंज थी, कल मैंने डिटेल में बताया था। ये थीटा यूज कर लो या वाई यूज कर लो, जो भी वेरिएबल यूज करना मसला नहीं है, रेंज इसकी क्या थी यही थी, जाके आप लोग देख लेना। इसी तरह cos इनवर्स की रेंज देखना, sec इनवर्स की रेंज देखना, आपको ये वाली रेंज मिलेगी। बस फर्क ये कि cosec इनवर्स में ना जीरो नहीं आता था, मतलब -π/2 और π/2 में जीरो भी आता है ना, तो cosec इनवर्स में जीरो शामिल नहीं था, साइन इनवर्स में तो सब शामिल है लेकिन cosec इनवर्स में बस जीरो शामिल नहीं था, बाकी तो यही रेंज थी ना पूरी। इसी तरह sec इनवर्स cosec इनवर्स की यही रेंज थी, बस sec इनवर्स में यहाँ पे y 90 आ रहा है ना, तो sec इनवर्स कभी 90 नहीं हो सकता, मतलब π/2 आपको नहीं मिलती थी sec में, बाकी आपको ये सारी वैल्यूज मिलती थी। तो कहने का मतलब ऑलमोस्ट सेम ही है ना दोनों की, बस एक वैल्यू का फर्क है कि sec इनवर्स में बस π/2 नहीं आ सकता, इसी तरह cosec इनवर्स में जीरो नहीं आ सकता, बाकी तो सेम ही है, sin इनवर्स cosec इनवर्स की ये रेंज है, इसी तरह sec इनवर्स cos इनवर्स की ये वाली रेंज है जीरो से लेके पाए। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं cot इनवर्स और tan इनवर्स की, देखना इनकी रेंज में फर्क आएगा। जो tan इनवर्स होता है इसकी रेंज होती है -π/2 से लेके π/2, जबकि cot इनवर्स की रेंज होती है जीरो से लेके, देखो फर्क आ गया। ऊपर वाली इक्वेशंस में देखो दोनों की रेंज सेम है, इसमें भी दोनों की रेंज सेम है, लेकिन नीचे वाली इक्वेशन में फर्क आ रहा है, क्यों, क्योंकि tan इनवर्स की रेंज अलग होती है और cot इनवर्स की रेंज अलग होती है। ये वो वजह है के तहत इनके दो फॉर्मूले आप लोग यहां पे पढ़ रहे हैं। अगर ये सेम होती इनकी तो इसका भी एक ही फॉर्मूला होता, जैसे ऊपर एक एक फॉर्मूला था, आप इसका भी एक फॉर्मूला पढ़ते हैं। ये वो वजह है जिसके तहत अब आप यहां पे दो फॉर्मूले पढ़ रहे हैं। अब मैं इस वजह में बहुत डिटेल में नहीं जा रहा, इसकी बहुत डिटेल भी हो सकती थी, मैं आपको ग्राफ में भी समझा सकता था कि मैं +π क्यों ऐड कर रहा हूं, बहुत डिटेल में जाऊंगा जहन से निकल जाएंगी बातें। तो बेसिक बात बस आपको पता होनी चाहिए फर्क क्यों आ रहा है, फर्क इसलिए आ रहा है कि दोनों की रेंज अलग है। अब दूसरी बात कि फर्क है क्या, मतलब किस तरीके से आप सॉल्व करोगे। भाई देखो जैसे आप यहां पे मैंने आपको बोला था ना cosec इनवर्स की वैल्यू कैसे निकाली थी आपने, कैलकुलेटर में लिखा साइन इनवर्स, जो वैल्यू थी उसको रेसिप्रोकल कर दिया। sec इनवर्स की वैल्यू कैसे निकाली थी आपने, कैलकुलेटर में लिखा cos इनवर्स, वैल्यू थी रेसिप्रोकल कर दिया उसको। इसी तरीके से अगर आपके पास सवाल आ जाए tangent इनवर्स का, सॉरी cot इनवर्स का, आपके पास आए cot इनवर्स फॉर एग्जाम्पल, कैलकुलेटर में कैसे निकालोगे, सेम जैसे इस तरह निकाली थी आपने, कैलकुलेटर में लिखोगे tangent इनवर्स 1/2, कोई फर्क नहीं है, कोई नई चीज आपने पढ़ी है, कोई नई चीज नहीं पढ़ी आपने। जितने भी पॉजिटिव वैल्यू पे आप cot इनवर्स निकालोगे ना, सेम यही मेथड,
cot inverse 2, cot inverse 3, cot inverse 10, जो भी आपकी पॉजिटिव वैल्यू पे अगर आप cot inverse निकालोगे तो सेम वही मेथड है क्या कि tangent inverse जो वैल्यू लिखी है उसको reciprocal करिए। अभी मैंने यहाँ पे लिखा है कि exactly वही चीज है जो आपने ऊपर पढ़ी थी, लेकिन ये वैलिड कब है, जब x पॉजिटिव होगा, मतलब अगर आप कुछ पॉजिटिव पुट करोगे यहाँ पे तो एग्जैक्ट वही मेथड आपने यूज करना। फर्क कब होगा, फर्क उस वक्त होगा जब आप कुछ नेगेटिव पुट करोगे यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पे पुट किया, फॉर एग्जाम्पल cot inverse माइनस वन, अब यहाँ पे आपने वैल्यू क्या पुट किया, नेगेटिव वैल्यू पुट किया, तो अगर आपका एक्स नेगेटिव होगा तो फिर आपको ये वाली इक्वेशन यूज करनी पड़ेगी। और इसको आपने यूज कैसे करना है, ये वाली टर्म अभी भी ऐसी रहेगी कि cot inverse की वैल्यू कैसे निकालोगे, आप कैलकुलेटर में लिखोगे tangent inverse, वन का रेसिप्रोकल क्या होता है, माइनस वन का रेसिप्रोकल माइनस वन ही होता है। बस फर्क क्या है, अब आपको पाई ऐड करना है इसके अंदर, बस ये फर्क है। निकालने का तरीका वही है, जैसे अगर पॉजिटिव यहाँ पे वैल्यू तब भी आप यही लिखोगे ना tangent inverse और इस वैल्यू का रेसिप्रोकल करोगे, अगर नेगेटिव आए ना तब भी आप शुरू का काम यही करोगे कि tangent inverse लिखोगे वैल्यू का रेसिप्रोकल करोगे, बस अब एडिशन आपने क्या करनी है, पाई ऐड करना है यहाँ पे। तो नेगेटिव के लिए आप हमेशा पाई ऐड किया करोगे, जबकि पॉजिटिव के लिए वही मेथड था जो आपने cosec inverse sec inverse में पढ़ा, कोई फर्क। जो cot है ना इसकी रेंज होती है जीरो से लेके पाई, मतलब फर्स्ट और सेकंड cot, जबकि tangent inverse की देखो फर्स्ट और फोर्थ quadrant है। जब तक आप पॉजिटिव वैल्यू पुट करते हो ना फर्स्ट quadrant में दोनों खुश हैं, लेकिन जब आप नेगेटिव पुट करते हो तो नेगेटिव tangent inverse जो होता है वो फोर्थ quadrant में होता है और जो cot inverse है वो सेकंड quadrant में होता है। दैट्स व्हाई में फर्क आ गया। तो अगर tangent inverse फोर्थ quadrant में नेगेटिव होता है ना तो आप इसके अंदर पाई ऐड कर दो तो आप सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाओगे। ये मैंने रीजन बताइए पाई क्यों ऐड हो रहा है, अगर जहन में पढ़ गई है तो सही है, एक और दफा बता रहा हूं, अगर ना पढ़े तो फिर रहने देना, अगर पढ़ जाए तो बहुत अच्छी बात है कि अगर पॉजिटिव वैल्यू आप पुट कर रहे हो ना तो एंगल आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर होगा, फर्स्ट टेंजेंट इनवर्स में भी शामिल है देखो और cot inverse में भी शामिल है, इसमें तो कोई मसला नहीं है। लेकिन जब आप नेगेटिव पुट करते हो तो tangent inverse का जब negative value put करते हो तो tangent inverse में answer आपको मिलता है fourth quadrant के अंदर, जबकि cot inverse में आपको मिलता है second quadrant में, अलग हो गया ना। तो अब same कैसे करोगे आप, जो आपको tangent inverse में answer मिला है ना उसके अंदर pi add कर देना, आप second quadrant में आ जाओगे, ये वही pi आपने add किया। बस detail में मैं जाऊंगा नहीं क्योंकि टॉपिक थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। तो cot inverse माइनस वन की अगर आपने वैल्यू निकालनी, आपने reciprocal किया और आपने pi add किया, आप tangent inverse माइनस वन कैलकुलेटर से निकाल लेना, माइनस पाई बाय फोर आ रहा होगा, ऐड कर देना तो ये जगह थ्री पाई बाय फोर। मुझे बताओ चार फॉर्मुले मैंने लिखे हैं, शुरू के दो फॉर्मुले और जो cot inverse की पूरी कहानी समझाइए, यहां तक किसी का कोई सवाल, या जरा मैं चाह रहा हूं आप लोग हाँ ना करके बताओ कि क्लियर है टॉपिक या नहीं। यस सर क्लियर है सर। यस चलो अच्छी बात है। तो पॉजिटिव के लिए मसला नहीं है, बस नेगेटिव के देखना। और मसला पता है क्या, बुक ने गलत किया था ये। अब ये बुक बना तो दी उन्होंने अच्छी, लेकिन बहुत सी मिस्टेक है जो मैंने निकाली नहीं है इस बुक के अंदर। आंसर में तो खैर काफी मिस्टेक्स करते हैं लोग, कॉन्सेप्ट मिस किए हैं, लेकिन अच्छी बात है कि बुक उन्होंने नहीं बनाई है, हमें पढ़ाने का मौका मिल रहा है ना, पहले तो बच्चा पढ़ता ही नहीं था क्योंकि ये एक्स्ट्रा चीजें होती थी, अच्छी बात है। लेकिन बुक में ये एग्जाम्पल सॉल्व हुई है और उसके आंसर में लिखा हुआ है माइनस फाइव बाय फोर, पाई उन्होंने ऐड नहीं किया हुआ, तो आपको बता दो कहाँ पे मिस्टेक है ये। और ये जब 12.4 में भी ये सवाल आया था, एग्जैक्ट ये सवाल आया था, मैंने जानबूझ के माइनस वन पिक किया है यहाँ पे, क्योंकि 12.4 की एग्जाम्पल में मौजूद है, मतलब 12.4 में मौजूद है और ये बुक की एग्जाम्पल में मौजूद है, दोनों जगह उन्होंने गलत किया हुआ है, आंसर में भी मिस्टेक की हुई है और जो बुक में एग्जाम्पल सॉल्व की हुई वो भी गलत सॉल्व की हुई है। ये पेज नंबर 372 है, 372 के अगर आप टॉप पे जाओ ना, एग्जाम्पल नंबर 2 है, तो एंड पे उन्होंने लिखा हुआ है कि cot inverse माइनस वन जो है ना वो माइनस फाइव बाय फोर के बराबर है। इसके गलत होने के लिए यही बात काफी है कि अगर आप इस पेज से थोड़ा पीछे आओ, जब उन्होंने इनवर्स cot डिस्कस किया है पेज नंबर 371 पे, तो इनवर्स cot के बिल्कुल एंड पे उन्होंने रेंज डिस्कस की है इनवर्स cot की, और रेंज इन्होंने क्या लिखी है कि जीरो से लेके पाई होगी, जीरो से लेके 180 तक। तो जब उन्होंने एक पेज पहले डिस्कस किया हुआ है कि जीरो से लेके 180 तक रेंज होगी, जबकि अगले पेज पर उन्होंने cot इनवर्स का एंगल निकाला है -45, जीरो से लेके 180 के दरमियान -45 कहां से आता है, क्लियरली मिस्टेक इन्होंने की है। तो करेक्ट एंगल क्या होगा, 135 डिग्री, 135 जीरो और 180 के दरमियान आता है, क्योंकि cot inverse की रेंज क्या होती है, जीरो से लेके पाई, मतलब जीरो से लेके 180। तो ये वाला कॉन्सेप्ट बुक ने डिस्कस ही नहीं किया हुआ, प्लस पाई ऐड करने वाला, कहीं ये बात डिस्कस नहीं की हुई, लेकिन ये गलत चीज है, डिस्कस भी नहीं की हुई, ऊपर से एग्जाम्पल भी गलत सॉल्व की है।
मैंने तो चलो करेक्ट आंसर बता दिया, अल्लाह करे मैं कहता हूँ बताऊं, लेकिन एग्जाम्पल अगर गलत है तो फिर वो सॉल्व भी ऐसे ही करवा देंगे और ये एक थोड़ा गलत कॉन्सेप्ट हो जाएगा। भारत खैर अब क्या कह सकते हैं, मैंने आप लोगों को बता दिए एग्जैक्ट ये सवाल 12.4 के अंदर भी है, वहां पे भी बुक में आंसर आप देखो -5/4 लिखा हुआ है, तो वहां पे भी ठीक कर लेना और पेज नंबर भी बता दिए बुक के एग्जाम्पल में भी इसको ठीक कर लेना कि कॉट इनवर्स -1 3π/4 होता है, ये 0 और π की रेंज के अंदर। सही है, तो ये फॉर्मूले जब आप लोगों को समझ आ गए ना, अब 12.4 करने में आपको बहुत आसानी होगी। 12.4 के शुरू के दो क्वेश्चन बहुत ही इजी है। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर, अब मैंने बताया है इसकी एप्लीकेशन पेपर में तो नहीं आएगा, एमसीक्यूज में आ सकता है। एमसीक्यूज में भी वो वाले सवाल आ सकते हैं कि जिसमें कॉट इनवर्स कोसाइन इनवर्स आ रहा है, क्योंकि कैलकुलेटर में अगर साइन इनवर्स का सवाल आ जाए वो तो डायरेक्ट कैलकुलेटर सॉल्व कर लोगे ना। अब किसी को क्या पता आपने विदाउट कैलकुलेटर किया या कैलकुलेटर यूज किया, एमसीक्यूज में तो नहीं पता चलता ना, डायरेक्ट कर दो क्या, पेपर में आएगा नहीं कि सवाल क्योंकि वैल्यू नहीं है और इतने अच्छे सवाल है। तो अगर एमसीक्यूज में आपके आया तो साइन इनवर्स कोसाइन इनवर्स दे सकते हैं कि अगर किसी को, क्योंकि थोड़ा मुश्किल है ना कैलकुलेटर में बटन नहीं है इसके, तो अगर आप कैलकुलेटर यूज भी करो तो जिसके कॉन्सेप्ट पता होगा वो यूज कर सकता होगा, या फिर इसकी एप्लीकेशन सेकेंड ईयर के बाद होगी जब आप ऐसी यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करोगे, एंट्री टेस्ट होता है जो यूनिवर्सिटी का जिसमें कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता। कितनी ऐसी यूनिवर्सिटी है पाकिस्तान के टॉप यूनिवर्सिटी है, नर्स फास्ट इवन कराची यूनिवर्सिटी में भी कैलकुलेटर अलाउ नहीं है। सर कराची यूनिवर्सिटी में ऐसे सवाल आते नहीं, लेकिन नर्स फास्ट इनमें सवाल आते हैं, ये ट्रिग्नोमेट्री बड़ी इंपॉर्टेंट होती है उसमें, तो वहां पे एक टेक्निक आपको बड़ी काम आएगी कि विदाउट कैलकुलेटर हमने इन सवालों को किस तरह सॉल्व करना है। तो जरा देखते हैं, सबसे पहले मैं कोई साइन इनवर्स का एक सवाल पिक कर लेता हूँ। साइन इनवर्स के 3-4 सवाल मुझे नजर आ रहे हैं, पार्ट नंबर 9 है वो मैं पिक कर लेता हूँ। साइन इनवर्स का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 9, क्या आपको वैल्यू निकालनी है साइन इनवर्स -1/√2 विदाउट कैलकुलेटर, अब किस तरह निकालोगे आप? सिंपल सी बात है, आप इसको लेट कर लो। कल आपने पढ़ा था साइन इनवर्स फंक्शन क्या होता है, वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। मैंने बताया था अगर ये इनवर्स साइन फंक्शन है तो आप साइन इनवर्स को इधर ले आओगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो फिलहाल आप इस साइन इनवर्स फंक्शन को ना वाई के बराबर लेट कर लो। आप लेट कर लो कि वाई बराबर है साइन इनवर्स 1/√2 के, फिर आप क्या करो साइन इनवर्स को इधर ले आओ, ये हो जाएगा साइन वाई इज इक्वल टू -1/√2, ये इक्वेशन बन जाएगी। मतलब आपको ये जो साइन इनवर्स सवाल था ना, इसमें आपसे बेसिकली एंगल पूछा जा रहा है, ऐसा एंगल जो आप साइन के अंदर पुट करो और आपको आंसर क्या मिले -1/√2। इसको हमने सिंप्लीफाई करके ये बनाया है ना, तो जरा इस इक्वेशन को देखो, आपको ऐसा एंगल निकालना है, वाई वैल्यू एंगल होती थी ना यहाँ पे, ऐसा एंगल निकालना है जिसपे साइन की वैल्यू आपको क्या मिले -1/√2। अभी ऐसा एंगल आप कैसे निकालोगे, ये 12.2 का अगेस्ट टॉपिक है। 12.2 में आपने पढ़ा था कि इन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को आपने कैसे सॉल्व करना है और वैल्यूज कैसे निकालोगे इसकी, सिंपल कॉन्सेप्ट था। आप यहाँ पे रेफरेंस एंगल निकाला करते थे, जाके देख लेना 12.2 में डिटेल में मैंने डिस्कस किया हुआ है रेफरेंस एंगल। पहले मुझे कंफर्म करें तो 12.3 में था या 12.2 में था, 12.3 में शायद, हाँ 12.3 का टॉपिक है ये। 12.3 में आपने सीखा था कि इन इक्वेशंस को आपने कैसे सॉल्व करना है। तो रेफरेंस एंगल हम कैसे निकालते थे, मैं आपको बोलता था कि नेगेटिव को इग्नोर कर दो, आप ये देखो कि साइन 1/√2 कहाँ पे होता है, क्वेश्चन बता सकता है? 45 जिसको आप पाई बाय 4 लिखते हो, साइन पाई बाय 4 पे 1/√2 होता है, ठीक है। अब आप देखो आपका जो साइन वैल्यू वो नेगेटिव है, ये तो रेफरेंस एंगल आ गया ना, अब आप क्वाड्रेंट डिसाइड करोगे, सिंस साइन इज नेगेटिव इन, साइन नेगेटिव कहां पे होता है, सेकंड में, सॉरी थर्ड में, फोर्थ में, दो ही क्वाड्रेंट है ना जिसमें साइन नेगेटिव होता है। तो अब आप क्या करो, थर्ड और फोर्थ में आप रेफरेंस एंगल बना दो पाई बाय 4, ये एग्जैक्ट 12.3 का तरीका है, 45 डिग्री का बनाना। तो यहां पे भी आपने 45 डिग्री का रेफरेंस एंगल बना दिया पाई बाय 4, और यहां पे भी आपने 45 डिग्री का बना दिया। लेकिन अब आप जरा ध्यान में रखो, जब आप 12.3 को सॉल्व करते थे ना, वहां पे आपके मकसद होता था सॉल्यूशन निकालना, जितने सॉल्यूशन आ रहे हैं निकालो, फिर जनरल सॉल्यूशन लिखते थे। यहाँ पे हमारा मकसद नहीं है, हम इस इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर रहे हैं, हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो इसके आंसर में जो आपको वाई वैल्यू मिलेंगी ना, याद रखना वो रेंज के अंदर होनी चाहिए। साइन इनवर्स की रेंज क्या होती है, -π/2 से लेके π/2। तो यहाँ पे आपका मकसद वाई वैल्यूज नहीं निकालना, आपका मकसद है इसके अंदर वाई वैल्यू निकालना, जिसको हम प्रिंसिपल वैल्यू कहते हैं, कल भी बताया था मैंने आप लोगों को। तो आपको असल में प्रिंसिपल एंगल निकालना है यहाँ पे, जो इस रेंज के अंदर है, सब एंगल नहीं आपको निकालना है। तो अगर आप देखो, या तो इधर एंगल होगा या इधर एंगल होगा, अगर कोई भी एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में होगा तो भाई वो इस रेंज के अंदर तो नहीं होगा, सेंस ही नहीं बनता। अगर आप उसको एंटी क्लॉकवाइज बनाओगे तब भी वो 180 से ग्रेटर होगा, अगर आप उसको क्लॉकवाइज बनाओगे तब भी वो -90 से ग्रेटर ही होगा, रेंज के अंदर नहीं आएगा। तो
तो इस वाले को तो आप हटा दो, आप कंसीडर करो इस वाले को, फोर्थ क्वाड्रेंट को। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर आप एंटी क्लॉकवाइज जाओगे तो फिर तो बहुत बड़ा एंगल आएगा, 300 कुछ आ रहा होगा, वो तो इसके अंदर नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्लॉकवाइज जाना पड़ेगा। तो अगर आप क्लॉकवाइज जाओगे ना इधर, ये एंगल कितना हो जाएगा, -π/4। और -π/4 देखो इस रेंज के अंदर है। तो जैसे ही आपने फिगर आउट कर लिया ये, तो लिख दो सेंस, ये लिखने की वर्डिंग जरूरत हो लिख दो, वरना ये बना दो काफी है। और आगे सेंस के साथ एक तो ये वर्डिंग आपने लिख दी, फिर आप नीचे एक और लिख दो कि -π/4 जो है वो बिलोंग करता है इसके अंदर, इस रेंज के अंदर। ये क्या है, -π/2 से लेके, मैंने क्या लिखा कि -π/4 जो है ना वो बिलोंग कर रहा है इस रेंज के अंदर, इस रेंज के अंदर आपका एंगल होना चाहिए। तो देयरफॉर ये जो इक्वेशन है ना आपकी साइन y, इसमें y की जगह आपने क्या पुट करना है, -π/4 पुट करना है, तो आपको आंसर मिलेगा -1/2। जब आपने इस इक्वेशन को सॉल्व कर लिया तो आप इससे ऊपर जा सकते हो, इससे ऊपर क्या था कि साइन इनवर्स को उधर ले जाओ, तो -π/4 बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स -1/√2। और यही आपका सवाल था कि आपने वैल्यू निकालनी थी साइन इनवर्स -1/√2 की, जो कि क्या आई है -π/4। कोशिश करो इसको इधर लिख दो, तो सवाल आपका कंप्लीट। ये विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर आपने साइन इनवर्स की वैल्यू निकाली है जो कि आई है -π/4। कॉन्सेप्ट क्या होता है भाई सिंपल इसका, आपने एक वाई लेट करना है सवाल को, उसके बाद इसको इधर ले आना है, फिर आपने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। इस इक्वेशन को सॉल्व करके आपने वाई का वो एंगल निकालना है जो इसकी रेंज के अंदर आता हो। जैसे ही आपको वो एंगल मिल गया जो इसकी रेंज के अंदर आता हो, आप उस एंगल को पुट कर दोगे इस इक्वेशन के अंदर, फिर साइन को उधर ले जाओ, तो सिंपल आपके पास साइन इनवर्स की वैल्यू आ जाएगी जो कि है -π/4। तो विदाउट कैलकुलेटर इन स्टेप्स को फॉलो करके आप सॉल्व करोगे, चांसेस नहीं है, लेकिन बिलफर्ज अगर आ गया पेपर में 2 नंबर के अंदर 3 नंबर के अंदर, तो इस तरह करोगे आप, ठीक है। तो साइन इनवर्स देख लेना ऐसी होगा। इसी तरह टेंजेंट इनवर्स में भी यार यही कॉन्सेप्ट है, क्योंकि टेंजेंट इनवर्स की भी रेंज ऑलमोस्ट यही होती है ना, बस π/2 और -π/2 शामिल नहीं होता। तो टेंजेंट इनवर्स को भी आपने इसी तरीके से सॉल्व करना है। बाकी इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हो तो 12.3 में डिटेल में मैंने बताया है ना, तो ये तो कोई नई बात नहीं है। तो बाकी आप लोग देख लेना, आसान है, इंशाल्लाह हो जाएगा आप लोगों से। तो टेंजेंट इनवर्स देख लो, कॉस इनवर्स का बताया था, क्योंकि कॉस इनवर्स की रेंज अलग होती है, तो उसका भी जरा डिस्कस कर लेते हैं। कॉस इनवर्स के दो सवाल ही हैं, तो मैं फॉर एग्जांपल कॉस इनवर्स पार्ट नंबर 3 करवा देता हूँ आप लोगों को। सवाल लिखा हुआ है कॉस इनवर्स 3/2, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है विदाउट कैलकुलेटर। तो आप इसको सबसे पहले तो लेट कर लो, y इक्वल टू कॉस इनवर्स √3/2, कॉस इनवर्स को उधर ले आओ, ये हो जाएगा कॉस y इज इक्वल टू √3/2। अब आपने इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करना है, लेकिन रिमेंबर यहाँ पे जो एंगल होना चाहिए वो प्रिंसिपल रेंज के अंदर होना चाहिए, और कॉस इनवर्स की जो रेंज होती है वो 0 से लेके π होती है, तो जो भी आप एंगल डिसाइड करो वो इसके अंदर होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट बात है। इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करोगे, रेफरेंस एंगल निकालो। रेफरेंस एंगल यहाँ पे क्या है, एंगल यहाँ पे कॉस √3/2 कब होता है, 30 डिग्री के ऊपर, तो रेफरेंस एंगल यहाँ पे है 5/6, मतलब 30 डिग्री। तो अब ये आप, अब कॉस पॉजिटिव कहाँ पे होता है भाई, कॉस या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है या फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो एक रेफरेंस एंगल आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में बना दो, एक रेफरेंस एंगल आप सेकंड क्वाड्रेंट में बना दो। लेकिन अगेन वही बात कि आपको एंगल चाहिए 0 से लेके π के दरमियान। अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में कोई एंगल होगा तो वो 0 से लेके π के दरमियान नहीं हो सकता, इसका मतलब आपने यहाँ पे चूज करना है फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर एंगल, और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर एंगल क्या था अभी देखा था, 5/6। ये जो है ये इस रेंज के अंदर आ रहा है, आपको असल में रेंज के अंदर चाहिए। तो आप लिख सकते हो सिंस वाई जो है, सॉरी जो 5/6 है वो बिलोंग कर रहा है इस रेंज से, रेंज क्या है 0 से लेके π, तो आपको वही रेंज के अंदर एंगल निकालना था, वो एंगल आ गया 5/6, देयरफॉर आप यहाँ पे पुट कर दो, तो कॉस 5/6 क्या हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा, और फिर आप कॉस इसको उधर ले जाओ तो कॉस इनवर्स हो जाएगा, कॉस इनवर्स √3/2 बराबर होगा 5/6 के। विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर आपने कॉस इनवर्स की वैल्यू निकाली, ठीक है। अच्छा, अब जो सवाल है ना जिसमें कॉट इनवर्स या सेक इनवर्स या कोसेक इनवर्स आ रहा है, उनको आपने कैसे सॉल्व करना है। कॉट इनवर्स के सवालों को चलो मैं एक और सवाल करवा दूंगा, लेकिन सेक इनवर्स कोसेक इनवर्स में कोई नया काम नहीं करना, मैं बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन नजर आ रहा है मुझे पार्ट नंबर 8 में लिखा हुआ है, वैल्यू निकालो कोसेक इनवर्स √3 के। तो भाई इस सवाल को आप चेंज कर लो साइन इनवर्स की फॉर्म में। कैसे चेंज करोगे, नेक्स्ट स्टेप में लिखना
वी नो दैट के कॉस इनवर्स किसके बराबर होता है, कॉस इनवर्स बराबर होता है साइन इनवर्स, और क्या मैंने आप लोगों को सिखाया था, वैल्यू को रेसिप्रोकल कर दो, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस रूट थ्री अपॉन। तो सवाल आपका कॉसैक इनवर्स का था, लेकिन आप उसको साइन इनवर्स की फॉर्म में चेंज कर दोगे, ये कॉसैक इनवर्स बराबर होगा साइन इनवर्स, जो वैल्यू है उसको आपने रेसिप्रोकल कर दिया। तो अब आपने पहले इसकी वैल्यू निकालनी थी, आपने बोला ये इसके बराबर है, तो जो इसकी वैल्यू होगी वही इसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो अब आपकी सारी मेहनत होनी चाहिए कि साइन इनवर्स की वैल्यू निकालनी है, और इसकी वैल्यू निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, नेगेटिव वाला केस मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ आप लोगों को, तो बस अब आपने इसको कंसिडर करना है, ये वाली इक्वेशन बनाओगे, रेफरेंस एंगल निकालोगे, सॉल्व करते करते एंड पे आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी, जो इसकी वैल्यू आ रही होगी हकीकत में वही कोसाइन इनवर्स की होगी। तो सॉल्व करना, साइन इनवर्स माइनस रूट थ्री अपॉन टू है, ये माइनस 60 आएगा, माइनस पाई बाय थ्री, तो जो इसकी वैल्यू होगी वही इसके बराबर होगी, आपके पास आंसर आ जाएगा। यही काम आपने सेक इनवर्स के साथ भी करना है, सेक इनवर्स के जो सवाल है उनको फॉर एग्जाम्पल जैसे नंबर 12 लिखा हुआ सेक इनवर्स 2, तो सबसे पहले तो आप लिखना है कि सेक इनवर्स 2 बराबर होता है कॉस इनवर्स 1 अपॉन 2 के। जब आपने सवाल को कॉस इनवर्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया तो फिर आप कॉस इनवर्स की वैल्यू निकालना, वो आपको पता है आपने कैसे निकालनी है, तो सवाल आपका आसानी से सॉल्व हो जाएगा। इसी तरह कॉट इनवर्स पे आ जाओ, जो पॉजिटिव कॉट इनवर्स है, फॉर एग्जाम्पल कौन सा सवाल है, पार्ट नंबर 10 देखो, पार्ट नंबर 10 में लिखा हुआ है कॉट इनवर्स 1 अपॉन रूट 3। आप यही चीज करोगे कि कॉट इनवर्स किसके बराबर होता है, टेंजेंट इनवर्स के, वैल्यू को रेसिप्रोकल कर दो, क्योंकि पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव कॉट इनवर्स की वैल्यू निकालने का तरीका मैंने बताया था कि वही जैसे आप इनकी निकाल रहे हो वैसे निकालोगे, तो कॉट इनवर्स 1 अपॉन रूट 3 बराबर हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स रूट 3 अपॉन 1 रूट 3। तो टेंजेंट इनवर्स रूट 3 निकालना अगेन कोई बड़ी बात नहीं है, आसानी से आप लोग निकाल दोगे। जो है नेगेटिव वैल्यूज ना, उसमें आपने क्या करना है वो मैं एक सवाल आप लोगों को करता हूं, उसमें टेंजेंट इनवर्स की वैल्यू निकालना भी सीख जाओगे और कॉट इनवर्स की नेगेटिव वैल्यू निकालना भी सीख जाओगे, वो मैं आप लोगों को करवाता हूं। कॉट इनवर्स ये देखो, पार्ट नंबर 4 में भी कॉट इनवर्स माइनस 1, पार्ट नंबर 9-11 में भी कॉट इनवर्स माइनस 1, एक सवाल को दो दफा लिखा हुआ है। खैर कॉट इनवर्स का यार एक ही सवाल है नेगेटिव वैल्यू वाला, वो माइनस 1 ही है, जो कि ऑलरेडी मैं आप लोगों को करवा चुका हूं। तो मैं अपनी तरफ से एक सवाल बनाता हूं, कंप्लीट करते हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो इसका। पॉजिटिव कॉट इनवर्स का तो मैंने बता दिया ना कि वो टेंजेंट इनवर्स और रेसिप्रोकल कर देना, टेंजेंट इनवर्स को किस तरह निकालना है वो आप यहां पे भी सीख जाओगे। नेगेटिव कॉट इनवर्स को जरा देख लो, बस फॉर एग्जांपल अगर आपके पास आ जाए ना ये वाला सवाल डिस्कस किया कॉट इनवर्स माइनस 1, तो इसको मैं करवाता हूं बाद में, पहले मैं मुश्किल वाला थोड़ा बना लेता हूं कि अगर आ जाए कॉट इनवर्स माइनस 1 अपॉन रूट 3, इस सवाल को आप कैसे करोगे। नेगेटिव कॉट है तो आपने ध्यान रखना है, तो जब भी कॉट इनवर्स नेगेटिव होगा उसको आप टेंजेंट की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करोगे, आप लिखोगे इनवर्स को रेसिप्रोकल करो, ये हो जाएगी माइनस रूट थ्री और उसके अंदर पाई ऐड करो। तो आप अपने सवाल जो कॉट इनवर्स की फॉर्म में था आपने उसको टेंजेंट इनवर्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब आपने हकीकत में इस पूरी चीज की वैल्यू निकालनी है जो इसके बराबर हो जाएगी। इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे, इसमें असल में टेंजेंट इनवर्स माइनस रूट थ्री आपको निकालना है, तो आप लिखो कंसीडर, हम कंसीडर करते हैं टेंजेंट इनवर्स माइनस रूट थ्री को और देखते हैं इसकी वैल्यू कैसे निकालनी है। इसको आप लेट कर लेना कि ये बराबर है वाई के, ठीक है, टेंजेंट वाई बराबर हो जाएगा माइनस रूट थ्री। अगेन आपको पता होना चाहिए यहाँ पे वाई क्या होगा, टेंजेंट इनवर्स में जो रेंज होती है वो होती है 90 से लेके माइनस 90 तक, जिसमें 90 और माइनस 90 शामिल नहीं होता, बस ये रेंज होती है। तो आपका जो भी वाई आना चाहिए एंगल वो इसी के अंदर आना चाहिए। आप क्या करो यहाँ पे रेफरेंस एंगल निकालो, रेफरेंस एंगल कैसे निकालोगे, नेगेटिव को इग्नोर करो, रूट थ्री कब होता है टेंजेंट 60 के ऊपर, पाई बाय थ्री, तो टेंजेंट पाई बाय थ्री पे रूट थ्री होता है, नेगेटिव को फिलहाल इग्नोर कर दो। अब अगर आप देखो आपका टेंजेंट नेगेटिव है, टेंजेंट नेगेटिव होता है सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर, तो आप सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में पाई बाय थ्री का रेफरेंस एंगल बनाओ, तो 60 डिग्री तकरीबन सेकंड क्वाड्रेंट में बना दिया और 60 डिग्री आपने तकरीबन फोर्थ क्वाड्रेंट में बना दिया। अब आप देखो आपका एंगल जो है वो किस क्वाड्रेंट में हो सकता है, भाई फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट में नहीं हो सकता, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में जो भी एंगल होगा वो इसके अंदर नहीं आएगा, इसका मतलब आपका एंगल कहाँ होना चाहिए, फोर्थ क्वाड्रेंट में होना चाहिए, और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपने क्लॉकवाइज बनाना है, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज बनाओगे अगेन वो इसके अंदर नहीं आएगा। तो यही वाला पूरा एंगल है, ये 60 था ना, लेकिन क्लॉकवाइज है तो आप इसको माइनस 60 लिखोगे, मतलब माइनस पाई बाय थ्री, तो इसका मतलब माइनस पाई बाय थ्री है वो यहाँ पे राइट एंगल है। आप लिख देना कि सिंस माइनस पाई बाय थ्री जो है वो बिलोंग कर रहा है इस रेंज से, और ग्राफ भी आपने बना दिया तो इसका मतलब ग्राफ से भी क्लियर हो जाएगी ये बात। बुक ने ना डायरेक्ट डिस्कस किया हुआ होता है,
मतलब ये इक्वेशन डिस्कस करने के बाद डायरेक्ट ना वाई की जगह -π/3 पुट किया हुआ होता है, तो डायरेक्ट पुट करने से बेहतर आप कोई कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लो कि किस तरह विदाउट कैलकुलेटर आपने निकाला है, तो वो और अच्छी बात हो जाएगी। तो -π/3 यहाँ पुट कर दो, ये हो जाएगा टेंजेंट, वाई की जगह पुट कर दो -π/3, किसके बराबर होगा -√3 के बराबर होगा। टेंजेंट को उधर ले जाओ, तो टेंजेंट इनवर्स -√3 बराबर हो जाएगा -π/3 के, ये आपने वैल्यू निकाल दी। जब टेंजेंट इनवर्स -√3 की आ जाए, इसको आप बोल देना फॉर एग्जांपल इक्वेशन नंबर 1, फिर आप इक्वेशन 1 को कंसीडर करना, cot इनवर्स -1/√3 बराबर हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स -√3 जो के बराबर है -π/3 के, और इसके अंदर आप ऐड कर दोगे पाई। जब आप -60 को ऐड करोगे 180 के अंदर, तो ये 120 आएगा, और 120 होता है 2π/3, ये आपके पास रिक्वायर्ड एंगल आ जाएगा। और कॉन्सेप्ट अगर आप देखो ना, कॉट इनवर्स के लिए आपको सेकंड क्वाड्रेंट में चाहिए होता है, तो जो आपको फोर्थ क्वाड्रेंट में आया इसके अंदर आप पाई ऐड कर दो, सेकंड क्वाड्रेंट में आप आ जाओगे, 120 आपको मिलेगा। इस तरीके से बच्चों जब नेगेटिव कॉट की वैल्यूज आएंगी ना, आप इस तरह निकालोगे। यही काम आप यहाँ पे भी करना, बुक में जहां एक क्वेश्चन है ना, आप इसको इस तरह लिखना कि बराबर है टेंजेंट इनवर्स -1 + π के। अब टेंजेंट इनवर्स -1 का निकालने का तरीका मैंने आपको बता दिया, इसी तरह आप निकालोगे और क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। जो बातें आप लोगों को बता रहा हूँ ना, कहीं गाइड में डिस्कस नहीं है, गाइड में मैंने देखा इन वैल्यूज को निकालने का इतना आसान तरीका। सवाल लिखा उन्होंने cos इनवर्स √3/2 और इक्वल के बाद लिख दिया -π/3, मसले हल। हालांकि सवाल में लिखा हुआ विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर, लेकिन गाइड वाले उनकी मर्जी, उन्होंने डायरेक्ट वैल्यू निकाल के सॉल्व किया है। तो ये जो मेथड है ना, ये आपको कहीं भी नजर नहीं आएगा, ये तो बुक ने भी डिस्कस नहीं किया हुआ cot इनवर्स में, बुक ने भी गलत डिस्कस किया हुआ है। तो बहुत काम की बातें, एटलीस्ट आपको यूनिवर्सिटी लेवल तक तो काफी काम आएंगे, नोट कर लेना इनको इंशाल्लाह। ये रिकॉर्डिंग आप लोगों के पास ही रहेगी, डाउनलोड करते जाओ रिकॉर्डिंग, हमेशा गूगल ड्राइव पे नहीं रहेगी, तो रिकॉर्डिंग को डाउनलोड करते जाओ, ताकि अगर कोई गलती से कभी डिलीट भी हो सकती है ना यार गूगल ड्राइव पे, तो रिकॉर्डिंग बस डाउनलोड करते जाओ, अपने पास स्टोर कर लो, काफी काम आएंगे आप लोगों की। या जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना, वो करवाना ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है, वो आप लोग कर भी सकते हो, मैं एक सवाल करवा दूंगा, क्योंकि अगेन उसमें इनवर्स की वैल्यू निकालनी है, बस हल्का फुल्का उन्होंने चेंजिंग की है। मैं कोई एक सवाल करवा देता हूँ आपको, सभी एक जैसे ही हैं। तो टेंजेंट इनवर्स का नॉर्मली मुश्किल होता है ना, तो फॉर एग्जांपल मैं पार्ट नंबर 5 करवा दूंगा, कोई भी सवाल कर सकते हो। पार्ट नंबर 5 को हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का अगेन लिखा हुआ फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब देखो वैसे तो वैल्यू तो डायरेक्ट कैलकुलेटर से आप निकाल सकते हो इनकी, लेकिन अगर पेपर में विलफर्ज अगर ये सवाल आया ना, तो इसके ऊपर लिख दिया जाएगा विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर, क्योंकि कैलकुलेटर यूज करके तो डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी ना। तो अगर पेपर में बिलफर सवाल आया तो विदाउट कैलकुलेटर आपको बोला जाएगा। तो सबसे पहले आप टेंजेंट विदाउट कैलकुलेटर आप निकाल रहे हो, तो टेंजेंट इनवर्स की वैल्यू निकाल लो, फिर हम यहाँ पे पुट करेंगे और कॉस की वैल्यू निकाल लेंगे। तो टेंजेंट इनवर्स -√3 लेट कर लो आप, y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स -√3, ये इधर चला जाएगा, ये हो जाएगा टेंजेंट y इज इक्वल टू -√3। अगेन रेंज क्या होती है, -π/2 से लेके π/2 तक होनी चाहिए। एग्जैक्ट यही सवाल बच्चों मैं आप लोगों को करवा चुका हूँ, इसमें जब हमने रेफरेंस एंगल अभी निकाला था, रेफरेंस एंगल यहाँ पे आया था 60 डिग्री, मतलब π/3 आया था। फिर आपने मेंशन किया था कि टेंजेंट जो है वो नेगेटिव होता है सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में, लेकिन हम कंसीडर करेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट वाला, ये वाला है। तो लिख देना सेंस -π/3 जो है वो बिलोंग कर रहा है इससे, देयरफॉर यहाँ पे आप पुट कर दो -π/3। ठीक है, तो सॉल्व करना, यहाँ पे टेंजेंट इनवर्स -√3 का आंसर आ रहा है -π/3, जो भी इसका आंसर आ रहा है ना वो आप सवाल में पुट कर दो। तो सवाल आपका क्या था, कॉट टेंजेंट इनवर्स -√3, टेंजेंट इनवर्स -√3 क्या है, -π/3 के बराबर। अब सवाल है कि कॉट की वैल्यू -π/3 पे आप कैसे निकालोगे, अब ये अच्छी चीज है, कैसे निकालेंगे हम सिंपल। अब एक काम करो, मैंने एक प्रॉपर्टी आप विदाउट कैलकुलेटर हम निकाल लेना, मैंने एक प्रॉपर्टी आप लोगों को बताई थी कि जब भी माइनस आए ना तो माइनस को बाहर निकाल दो, टेंजेंट के अंदर, कॉट के अंदर, साइन के अंदर, कोसेक के अंदर, जब माइनस आया तो उसको बाहर निकाल दो। तो माइनस को सबसे पहले बाहर निकाल देते हैं, ये हो जाएगा cot π/3, क्योंकि कॉस और साइन की वैल्यूज आपको नॉर्मली याद होती हैं, तो कॉट को आप कन्वर्ट कर दो कॉस अपॉन साइन में, तो ये सिंपल है cos π/3 / sin π/3, cos 60 / sin 60। अगर किसी को याद है cos 60 क्या होता है, 1/2 साइन π/3 होता है √3/2,
तो टू से टू कैंसिल, आंसर आ जाएगा -1/√3। इस तरीके से जो सवाल ऊपर लिखा हुआ है ना, इसकी आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी। तो बाकी सवाल आप ट्राई कर लेना। एक कॉन्सेप्ट है, मुझे मौका मिला तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लूंगा, बुक में डिस्कस नहीं है, लेकिन अगर हुआ तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लूंगा। इन क्वेश्चंस को आपने ऐसे सॉल्व करना है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 पे देख लो, कोई नई बात नहीं है इसके अंदर। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 भी कोई खास नहीं है, एक ही सवाल मैं करवा देता हूँ, आप लोगों को आइडिया क्लियर हो जाएगा इसमें। फॉर एग्जाम्पल हम डिस्कस करते हैं, पार्ट नंबर 4 डिस्कस कर लेते हैं ना, कॉस और कॉट आ रहा है क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4। आपको प्रूफ करना है कॉस इनवर्स 4/9 जो है ये बराबर होता है कॉट इनवर्स 4/√65 के, अगेन विदाउट कैलकुलेटर। कैलकुलेटर से वैल्यू निकाल के नहीं, प्रूफ कर देना कि ये कॉस इनवर्स होता है वो इसकी, तो वैल्यू बराबर है। तो विदाउट कैलकुलेटर आप कैसे निकालोगे, आप सिंपल कंसिडर करो पहले कॉस इनवर्स 4/9 को। तो आप लेट कर लो कि लेट फॉर एग्जाम्पल इसको मैं अल्फा का नाम दे देता हूँ, तो एंगल आ रहा होगा ना इसके आंसर में, मैं कह देता हूँ कि अल्फा आ रहा है, अल्फा बराबर है कॉस इनवर्स 4/9 के। आप इधर ले आओ, हो जाएगा कॉस अल्फा 4/9। आप इससे एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लो, आपको समझ आ जाएगी राइट एंगल ट्राइंगल मैं क्यों बनवा रहा हूँ। कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटन्यूज, तो बेस है 4, हाइपोटन्यूज है 9, तो बेस 4 हाइपोटन्यूज 9। आपको क्या निकालना है, परपेंडिकुलर, तो यहां पे यूज करो पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या है, हाइपोटन्यूज का स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। परपेंडिकुलर स्क्वायर बराबर हो जाएगा हाइपोटन्यूज माइनस बेस, हाइपोटन्यूज का स्क्वायर 9 का स्क्वायर क्या होगा 81, बेस का स्क्वायर क्या होगा 16, तो परपेंडिकुलर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 65 के। आप पी निकालोगे तो पी का आंसर आ जाएगा √65, आ गया परपेंडिकुलर। जैसे ही परपेंडिकुलर आ जाए, अब आप यहां पे निकालो कॉट, क्योंकि आपको यहाँ पे कॉट नजर आ रहा है, कॉट निकालो, कॉट अल्फा निकालते हैं हम यहाँ पे, क्योंकि वही यहाँ पे अल्फा बनाना, जो एंगल यहाँ पे मैंने लेट किया है तो वही यहाँ पे यूज करना। तो कॉस अल्फा था बेस अपॉन हाइपोटन्यूज, कॉट अल्फा क्या होगा भाई, देखो टेंजेंट अल्फा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कॉट क्या हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस यहाँ पे क्या है 4, परपेंडिकुलर क्या है √65, कॉट अल्फा बराबर हो जाएगा 4/√65 के, तो अल्फा किसके बराबर हो जाएगा, अल्फा बराबर हो जाएगा कॉट इनवर्स 4/√65। आप इसको 2 बोल देना और इसको 1 बोल देना। आप देखो 1 और 2 दोनों की लेफ्ट हैंड साइड अल्फा है, तो दोनों की राइट हैंड साइड बराबर होगी, तो इसकी राइट हैंड साइड है कॉस इनवर्स, इसकी राइट हैंड साइड है कॉट इनवर्स। नेक्स्ट स्टेप में मेरे पास जगह नहीं है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में लिख देना कि हेंस, हेंस लिख के लिखना कि कॉस इनवर्स 4/9 बराबर है कॉट इनवर्स 4/√65 के, सवाल जो है वो आपका प्रूव हो जाएगा। तो इस तरीके से आप करोगे, जो लेफ्ट हैंड साइड है पहले लेट करोगे, उससे एक ट्राइंगल बनाओगे, जो भी तीसरी साइड होगी वो पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लोगे, फिर आप राइट हैंड साइड देखोगे राइट हैंड साइड में कौन सा फंक्शन गिवन है, उस फंक्शन की वैल्यू निकालोगे, उसको उधर लेके जाओगे, सवाल आपका खुद ही प्रूव हो जाएगा। तो जो क्वेश्चन नंबर 4 के जो 8 सवाल है ना, मेरी कोशिश होगी मैं तकरीबन ये सारे के सारे सवाल करवा दूं, क्योंकि इसमें तकरीबन कुछ सवालों में तो टेक्निक समझ आ जाती है, लेकिन कुछ में आपको फिर भी देखना वेखना पड़ता है, थोड़ी मेथड अलग है, तो बेहतर है सबकी प्रैक्टिस करो तो ये सब याद रहेंगे। कोई एक रूल नहीं है जो मैं आपको बता दूं, जो इन सवालों को आप सॉल्व कर लो आसानी से। हाँ, कुछ सवालों में फॉर्मूले लग रहे हैं तो डायरेक्ट फॉर्मूला इस्तेमाल करके हम सॉल्व कर सकते हैं, जैसे पहले पार्ट में जो सवाल है ना उसको आप आसानी से फॉर्मूले से प्रूव कर सकते हो। ठीक है, अगर आप देखो पेज नंबर में फॉर्मूला लिखा हुआ है, कहाँ पे आपको फॉर्मूला नजर आएगा, ये फॉर्मूला नजर आ रहा है आपको पेज नंबर 378 पे, पहला फॉर्मूला लिखा हुआ है साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी प्लस है ना इसके अंदर। हाँ, तो ये फॉर्मूला आपको नजर आ रहा है, बस होगा ये कि इसमें जो आंसर है ना वो आपका साइन इनवर्स की फॉर्म में आएगा। अगर आप देखो इस फॉर्मूले में जो राइट हैंड साइड है वो साइन इनवर्स है, तो अब साइन इनवर्स आएगा उसको आप कन्वर्ट करोगे कॉस इनवर्स की फॉर्म में, कैसे, कोई साइन इनवर्स को कंसीडर करोगे, साइन को इधर लेके जाओगे, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाओगे, फिर उससे कॉस निकालना, फिर वहां से कॉस इनवर्स आ जाएगा। तो साइन इनवर्स से आप कॉस इनवर्स निकाल सकते हो, डायरेक्ट मेथड भी है इसका, लेकिन वो फिर नई नई चीजें याद रखोगे, इससे बेहतर है कि जो ट्रेडिशनल मेथड है उसी क्लासिकल मेथड पे जाओ, हर चीज के जहन में रख के भूल जाओगे। तो साइन इनवर्स से कॉस इनवर्स का तरीका मैंने आप लोगों को बताया, इस तरह आप जा सकते हो, एक तो तरीका वो है। दूसरा तरीका ये कि जो जिस तरह मैंने सवालों को प्रूफ करवाया था ना, ये जो फॉर्मूले हैं इनको जो मैं प्रूफ करने का तरीका बताया था, उस तरह कर लें तो उस तरह मुझे लगता है जल्दी आपका आंसर आ जाएगा, और वो मेथड तकरीबन आपने हर सवाल में करने हैं। तो बेहतर है फॉर्मूला हम डायरेक्ट यूज नहीं करते, हम जो टेक्निक यूज करनी है ना ज्यादातर सवालों में, वही वाले टेक्निक यहाँ पे भी यूज करते हैं। और वो क्या है,
कि मेजोरिटी सवाल में आप देखोगे लेफ्ट हैंड साइड पे जो एक्सप्रेशन लिखी हुई होगी ना, आप उसको लेट करोगे किसी एंगल के बराबर और फिर वहां पे कॉस का फॉर्मूला लगा दोगे या साइन का फॉर्मूला लगा के आप प्रूव करोगे। कैसे है जरा देखते हैं, प्रूफ की एडिंग डालते हैं। सबसे पहले आप क्या करो, लेफ्ट हैंड साइड पे दो टर्म्स लिखी हुई ना, हम इनको लेट कर लेते हैं। आप लेट कर लो कि जो अल्फा है वो बराबर है साइन इनवर्स 77/85 के, और बीटा जो है वो बराबर है साइन इनवर्स 3/5 के। यहां से साइन अल्फा आ जाएगा 77/85, यहां से साइन बीटा आ जाएगा 3/5। अब अगर आप देखो राइट हैंड साइड पे कॉस आ रहा है, मतलब आप यहाँ पे कॉस अल्फा प्लस बीटा का इस टाइप का फॉर्मूला लगा रहे हो। तो कॉस अल्फा प्लस बीटा, उसके फॉर्मूले में चार चीजें आती हैं, कॉस अल्फा कॉस बीटा, साइन अल्फा साइन बीटा। आपके पास साइन अल्फा साइन बीटा है, कॉस अल्फा कॉस बीटा नहीं है, तो बाद में निकालने से बेहतर है अभी भी निकाल लो, ताकि फॉर्मूला अप्लाई जब करो तो हर चीज आपके पास पहले से मौजूद है। तो आप यहां से जरा कॉस अल्फा निकाल लो, पेपर में भी आप इस तरह सॉल्व कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। या पहले आप इसको सॉल्व कर लो फिर लेट करके इसको सॉल्व करो, मर्जी है आपकी, दोनों तरीके से आप कर सकते हो। कॉस अल्फा किसके बराबर होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 - sin² अल्फा। पुट कर दो, साइन अल्फा की वैल्यू आपके पास लिखी हुई है 77 का स्क्वायर अपॉन 85 का स्क्वायर। अब ये वैल्यू मैं डायरेक्ट कैलकुलेटर में सॉल्व कर रहा हूँ, आप लोग भी डायरेक्ट कैलकुलेटर में सॉल्व करना, लिखने की जरूरत नहीं कि दरमियान में क्या आंसर आ रहा है। तो 1 - 77 का स्क्वायर अपॉन 85 का स्क्वायर, जब आप इसका स्क्वायर रूट लोगे तो आंसर आपको कैलकुलेटर दे रहा है 36/85। ठीक है, तो ये कॉस अल्फा की वैल्यू आ गई। इसी तरीके से यहाँ पे आप निकालो कॉस बीटा, बीटा क्या होगा 1 - sin² बीटा। करो साइन बीटा है 3/5 स्क्वायर करोगे तो 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, इसको सॉल्व करो ये हो जाएगा 25 - 9 16/25, बाहर निकालोगे तो 4/5 आंसर आ जाएगा। ये आ जाएगी आपके पास कॉस बीटा की वैल्यू। वन जब आप चारों वैल्यू निकाल लो, अब आप आ जाओ सवाल को प्रूफ करने पे। सवाल किस तरह आप प्रूफ करोगे, ठीक है, आप यहाँ पे वैल्यू निकालो कॉस अल्फा प्लस बीटा की, क्योंकि इसको अल्फा इसको बीटा लेट किया था ना, तो आप जस्ट कॉस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालो। फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा कॉस बीटा साइन अल्फा साइन बीटा, वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो कॉस अल्फा है 36/85 और कॉस बीटा है 4/5, साइन अल्फा है 77/85 और साइन बीटा है 3/5। अगेन आप इसको कैलकुलेटर में सॉल्व कर लो, खुद सॉल्व करना कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। 36 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 आएगा, और 85 को 5 से करेंगे तो 425 आएगा, माइनस 77 को 3 से करो तो ये 231 हो जाएगा और ये है 425। दोनों का एलसीएम तो 425 है ना, तो ऊपर आपने क्या करना है 144 को माइनस करना है 231 से, तो आपके पास यहाँ पे आंसर आ रहा है -87/425। ये आपके पास वैल्यू आ रही है कॉस अल्फा प्लस बीटा की। ठीक है, आप देखो वो चीज माइनस आना चाहिए, बुक ने माइनस डिस्कस किया भी नहीं है, यहाँ पे माइनस होगा लाजमी वरना सेटिस्फाई नहीं होगा। तो मैं चेक कर लेता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड डायरेक्ट कैलकुलेटर में पुट करते हैं ना, अभी आंसर पता चल जाएगा। साइन इनवर्स 77/85 प्लस साइन इनवर्स 3/5, इसका आंसर मुझे कैलकुलेटर दे रहा है 101.8 डिग्री। लेफ्ट हैंड साइड का अप्रॉक्स आंसर आ रहा है 101.8 डिग्री, राइट हैंड साइड क्या है कॉस इनवर्स 87/4, आ ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता, कॉस नेगेटिव, ये नेगेटिव होना चाहिए ना, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल आ रहा है 78.18 आ रहा है, तो उसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर नहीं है, बुक में इसको ठीक कर लेना, यहाँ पे माइनस आएगा। अगर आप माइनस पुट करो तो तब सेटिस्फाई हो रहा है ना ये, हाँ माइनस पुट करो तो ये एंगल आ रहा है, तो ये बुक में ठीक कर लेना। क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट नंबर 1 में राइट हैंड साइड पे यहाँ पे माइनस आ रहा होगा, बुक ने नहीं लिखा हुआ। ठीक है, तो जब ये चीज आपके पास आ जाएगी कॉस को उधर ले जाना, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा कॉस इनवर्स -87/425 के। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट कर देना, अल्फा था साइन इनवर्स 77/85 और बीटा था साइन इनवर्स 3/5, और राइट हैंड साइड है कॉस इनवर्स -87/425। सवाल बच्चों आपका प्रूफ हो जाएगा। तो ये प्रूफ करने का थोड़ा डिफरेंट अंदाज है, यहाँ पे आप लेफ्ट राइट पिक नहीं करो, इस तरह सॉल्व करो खुद ही आपका सवाल जो है प्रूव होता जाएगा। क्वेश्चन नंबर
टू में बोला था कॉस इनवर्स और टेन इनवर्स की वैल्यू आपने निकालनी है कि पाई बाय फोर है। अच्छा कॉस इनवर्स टू अपॉन रूट फाइव प्लस टेंजेंट इनवर्स वन अपॉन रूट थ्री इज इक्वल टू पाई बाय फोर। अगर आप देखो जितने भी इनवर्स फंक्शन है उनका सी टी ये सब कैपिटल है। मैंने कल भी बताया था कैपिटल का मतलब होता है प्रिंसिपल इनवर्स, सॉरी कैपिटल का मतलब होता है फंक्शन। एक होते हैं इनवर्स फंक्शन, एक होते हैं इनवर्स रिलेशन। तो कैपिटल का मतलब इनवर्स फंक्शन की बात की जा रही है, ये कल मैंने थोड़ा बताया था आप लोगों को इस बारे में। अच्छा अब अगर आप यहाँ पे देखो, आप देखो लेफ्ट हैंड साइड पे दो फंक्शन अलग अलग है, एक है कॉस इनवर्स एक है टेंजेंट इनवर्स। तो आसानी आपको उस वक्त होगी जब आप दोनों को किसी एक फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। तो काम करते हैं हम ना इसको टेंजेंट इनवर्स की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। कैसे देख लो, प्रोसेस वही होगा कि आप यहाँ पे लेट करोगे। मैंने बताया था देखो हर सवाल में ना थोड़ा मेथड आपको अलग करना पड़ेगा, तो जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी आप कर पाओगे। कंसीडर कर लो मैं इसको थीटा नाम दे देता हूँ, ये चलो अल्फा ही नाम दे देते हैं, समझता है कि कॉस इनवर्स टू अपॉन रूट फाइव अल्फा के बराबर है। कॉस अल्फा बराबर हो जाएगा टू अपॉन रूट फाइव के। यहाँ से आप टेंजेंट अल्फा की वैल्यू निकालो। कैसे, कॉस अल्फा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर स्क्वायर कैसे आएगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, रूट फाइव का स्क्वायर फाइव, बेस का स्क्वायर फोर। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर वन होगा और परपेंडिकुलर भी वन के बराबर आ जाएगा। तो यहां से आप टेंजेंट अल्फा की वैल्यू निकालो। टेंजेंट अल्फा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर वन, बेस यहाँ पे टू है। तो टेंजेंट अल्फा बराबर हो जाएगा वन अपॉन टू के। यहां से अल्फा की वैल्यू निकालो, अल्फा क्या है टेंजेंट इनवर्स वन अपॉन। यहाँ पे अल्फा था कॉस इनवर्स और यहाँ पे अल्फा ये है। तो सिंपल लैंग्वेज में आप लिख सकते हो कि कॉस इनवर्स रूट फाइव ये बराबर है टेंजेंट इनवर्स वन अपॉन टू के। तो अपने सवाल में जो कॉस इनवर्स आ रहा था ना उसके जगह आप टेंजेंट इनवर्स लिख सकते हो। अभी वैल्यू नहीं आपने निकाली, बस आपने इसको सेम करना था ताकि दोनों जगह आपके पास है टेंजेंट इनवर्स आ जाए। यहाँ पे कॉस इनवर्स की जगह लिख दोगे आप टेंजेंट इनवर्स वन अपॉन टू। तो अब आप अपने सवाल को दोबारा लिखो, सवाल में आप कॉस इनवर्स वाली टर्म की जगह आप लिखो टेंजेंट इनवर्स वाली टर्म, टेंजेंट इनवर्स वन अपॉन टू। तो कॉस इनवर्स लिख दिया टेंजेंट इनवर्स वन अपॉन टू, ये वाला जो है ये अपनी जगह पे है। चलो ये सवाल आपको प्रूफ करना है। यहाँ पे आप लेफ्ट हैंड साइड पिक कर सकते हो क्योंकि आपको वैल्यू निकालनी है ना, तो ये पूरी चीज की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे जो कि पाई बाय फोर आ रही होगी। तो चाहो तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पिक कर लो आप, ठीक है। और यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे आपने फॉर्मूला लगाना है क्योंकि फॉर्मूला लगा के कैलकुलेशन अभी काफी आसान हो रही है। यहाँ पे फॉर्मूले के बगैर भी कर सकते हो। अगर आप लोगों को मैं बताऊँ फॉर्मूले के बगैर कैसे करोगे, इसको अल्फा लेट करोगे ये पूरी चीज अल्फा हो जाएगी। लेट कर लिया तो कुछ और लेट कर लेना खैर। तो अल्फा बीटा लेट करोगे फिर टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा की वैल्यू निकालोगे, उसके बाद आप क्या लिखोगे टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला लगाओगे। इसका फॉर्मूला होगा टेंजेंट अल्फा प्लस टेंजेंट बीटा अपॉन वन माइनस टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा। तो टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा की ऑलरेडी आपके पास वैल्यू आई होंगी, यहाँ पे आप पुट कर दोगे सॉल्व कर लोगे। जो भी यहाँ पे आंसर आ रहा होगा आप उसका टेंजेंट इनवर्स ले लेना पूरा होगा। तो ये है इनडायरेक्ट तरीका जो आपने लास्ट वाले क्वेश्चन में यूज किया था, लेकिन यहाँ पे फॉर्मूला भी हम यूज कर सकते हैं। फॉर्मूला बड़ा आसान होता है, यही चीज उन्होंने डायरेक्ट की हुई है बुक ने। फॉर्मूला नंबर फोर सॉरी फॉर्मूला नंबर फाइव है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वो क्या फॉर्मूला है कि टेंजेंट इनवर्स ए प्लस टेंजेंट इनवर्स ये बराबर होता है टेंजेंट इनवर्स प्लस बी अपॉन वन माइनस ए बी। ये फॉर्मूला बुक वालों ने डिस्कस किया था, फॉर्मूला नंबर फाइव है 12.4 से पहले देख लेना आप लोग। तो डायरेक्ट मैं फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ, पहले इसको पिक कर लो, दो तीन स्टेप मेरे जो है वो यहां से बच जाएंगे। ये पूरी चीज आपकी ए है, ये पूरी चीज आपकी बी है। तो पुट करो किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा टेंजेंट इनवर्स बी मतलब वन अपॉन टू प्लस वन अपॉन थ्री डिवाइडेड बाय वन माइनस ए बी वन अपॉन टू मल्टीप्लाई वन अपॉन थ्री। इस पूरी चीज को आप कैलकुलेटर में सॉल्व करो, इस पूरी फ्रैक्शन का आंसर क्या आ रहा है, वन अपॉन टू वन अपॉन थ्री को ऐड करोगे तो सिक्स आएगा, बी प्लस टू फाइव अपॉन सिक्स। तो इसका आंसर आ रहा है फाइव अपॉन सिक्स और इसका आंसर आएगा फाइव अपॉन सिक्स। तो जरा सॉल्व करना, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर आपका क्या हो रहा है फाइव अपॉन सिक्स फाइव अपॉन सिक्स, जो कि कैंसिल हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स वन। और टेंजेंट इनवर्स वन आप कैलकुलेटर से निकाल सकते हो, 45 डिग्री आएगा, पाई बाय फोर आएगा, जो कि बराबर है आपकी राइट हैंड साइड के। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, इस तरीके से आप सॉल्व करोगे। अब मुझे पता है हर सवाल का मेथड में थोड़ा फर्क नजर आएगा आपको, यही है तभी मैंने कहा था सवाल थोड़े मुश्किल है, ये देख लो। चीज को नहीं है ये चीजें आप अभी पढ़ चुके हो, राइट एंगल ट्रायंगल बनाना और इस तरह सॉल्व करना, लेकिन थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट हर सवाल में अलग होगा,
तो कंफ्यूजन हो सकती है, तो प्रैक्टिस करोगे तो इंशाल्लाह मसले हल होना स्टार्ट होने लग जाएंगे। अच्छा जो बाकी सवाल है ना, मैं कोशिश करता हूँ थोड़ी इंस्ट्रक्शंस आपको दे देता हूँ ताकि हमारा टाइम बच जाए, क्योंकि 8 पार्ट करवाना सब मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो इस सवाल को कैसे करेंगे हम, मैं सवाल लिख देता हूँ। पार्ट नंबर 3 की बात कर रहा हूँ मैं। कॉस इनवर्स 63/65 प्लस 2। अच्छा मैं कभी टी छोटा लिख देता हूँ, आप लोग कैपिटल कर देना, मैं पेपर में मिस्टेक नहीं होगी। वैसे तरीका जो है वो कैपिटल लिखने का, कॉस इनवर्स 1/4/5, ये प्रूव करना है। राइट हैंड साइड में मतलब कॉस इनवर्स आ रहा है, तो अगर मैं अपने सवाल को कन्वर्ट कर लूँ कॉस की फॉर्म में तो आसानी हो जाएगी, कन की फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कंसिडर कर लो, अगर ये पूरी चीज को मैं अल्फा लेट कर लेता हूँ, इस पूरी चीज को मैं बीटा लेट कर लेता हूँ, तो सवाल हो जाएगा अल्फा प्लस 2 बीटा। और फिर अगर मैं इसका कॉस ले लेता हूँ तो फॉर्मूला हो जाएगा कॉस अल्फा कॉस 2 बीटा प्लस साइन अल्फा साइन 2 बीटा। तो कॉस अल्फा की वैल्यू तो मिल जाएगी आपको, कॉस 2 बीटा की जगह आप लिख सकते हो साइन बीटा माइनस, क्या हुआ कॉस 2 बीटा के बाद माइनस। अच्छा सॉरी, तो कॉस बीटा की वैल्यू आ सकती है, टेंजेंट बीटा की आ जाएगी यहाँ पे, कॉस बीटा आ जाएगा। साइन अल्फा भी निकाल सकते हो, साइन 2 बीटा भी निकाल सकते हो। हाँ हो सकता है इस तरह सवाल आपका। तो जब इसकी वैल्यू आ जाएगी फिर कॉस इनवर्स कर दोगे तो ये चीज आ जाएगी। सही, एक तो मेथड इसका ही है। तो आप लोग अभी नोट ना करो, मतलब मैं आपको फाइनल बताऊंगा अभी, मैं थोड़ा कुछ सोच रहा हूँ कौन सा मेथड अच्छा लगेगा। अगर इसकी जगह हम बीटा को कन्वर्ट कर लें अगर कॉस इनवर्स की फॉर्म में, तो यहाँ भी कॉस इनवर्स, यहाँ भी कॉस इनवर्स, ये कॉस अल्फा कॉस बीटा वाला फॉर्मूला लग जाएगा, ये 2 आ रहा है ना यहाँ पे, तो ये वाला मेथड सही रहेगा। चलो इसी तरह आपने करना है। अब जरा सुन लो ये सवाल, आप ट्राई कर लेना, मैं इंस्ट्रक्शंस आपको दे रहा हूँ कि सबसे पहले आपने क्या करना है, सवाल जब स्टार्ट करोगे उस पूरी चीज को आपने अल्फा लेट करना है, इस पूरी चीज को बीटा लेट करना है। तो यहां से कॉस अल्फा आ रहा होगा 63/65 और यहां से टेंजेंट बीटा आ रहा होगा 1/5। ठीक है, करना क्या है, अगर आप इस इक्वेशन में पुट करो, इसकी जगह आपने अल्फा पुट कर दिया, 2 जो है वो दरमियान में, इस पूरी चीज को आपने बीटा लेट किया। राइट हैंड साइड में मुझे कॉस नजर आ रहा था ना, तो मैंने कॉस का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई किया। कॉस का फॉर्मूला होता है कॉस अल्फा प्लस 2 बीटा, जब अप्लाई करोगे तो ये पूरा फॉर्मूला आ रहा होगा। अभी जो कॉस 2 बीटा, इसकी जगह आप लिख दोगे 2 कॉस स्क्वायर बीटा माइनस 1। इसी तरह साइन 2 बीटा, डबल एंगल फॉर्मूला क्या था, 2 साइन बीटा कॉस बीटा। तो कहने का मतलब अगर आप इस पूरे फॉर्मूले में देखो तो आपके पास क्या क्या वैल्यूज आ रही है, कॉस अल्फा की, कॉस बीटा की, साइन अल्फा की, साइन बीटा की। कॉस बीटा तो आपने ऑलरेडी निकाला था, तो 4 चीजें यहाँ पे आ रही है। तो आपने ये सवाल, ये बाद में आप करोगे, पहले वैल्यूज आप निकाल लें, ये रफ में आप सोच लेना कि आप लोग क्या क्या निकालना है। ऐसे भी कर सकते हो कि फॉर्मूला पहले कंसीडर कर लो, बाद में वैल्यूज निकाल लो, फिर फॉर्मूले में पुट कर लो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन मैं प्रेफर करता हूँ पहले वैल्यूज निकाल लो और फिर डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट कर दो, ताकि अलग अलग आपको काम ना करना पड़े। तो कॉस अल्फा तो आपके पास आया हुआ है, यहाँ से आप साइन अल्फा आसानी से निकाल सकते हो, पता है आप लोगों को मेथड, स्क्वायर रूट करके साइन अल्फा आ जाएगा। फिर आपको कॉस बीटा और साइन बीटा चाहिए, टेंजेंट बीटा से ना आपके पास साइन बीटा कॉस बीटा आसानी से आ सकता है। आप राइट ट्रायंगल एक बनाओ, टेंजेंट होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यहाँ पे कंसीडर कर लो बीटा बन गया, तो परपेंडिकुलर 1 है, बेस 5 है, यहाँ से हाइपोटेन्यूज निकालना, रूट 26 आ रहा होगा शायद, 5 का स्क्वायर 25, हाँ रूट 26 आ रहा होगा हाइपोटेन्यूज। तो साइन बीटा क्या होता है, साइन बीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर 1 है, हाइपोटेन्यूज रूट 26 है। कॉस बीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये लो भाई इनकी वैल्यूज आ गई। तो साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन बीटा कॉस बीटा सब वैल्यूज आ गई हैं, आप इस फॉर्मूले में पुट करोगे, कॉस टू बीटा की जगह आप ये लिखना, वैल्यूज पुट करना यहाँ पे, इधर वैल्यू पुट करो, इधर पुट करो, यहाँ पे भी साइन बीटा कॉस बीटा की वैल्यू पुट करना, सारी वैल्यूज को ना आप कैलकुलेटर में निकालना। जब आप पूरी चीज कैलकुलेटर में निकालोगे ना, तो देखना कैलकुलेटर में आपको आंसर मिल रहा होगा 4/5, करके देख लेना। वैल्यूज मैंने बता दी कैसे निकालना, जब हो जाएगा तो आप क्या करना, नेक्स्ट स्टेप में इस कॉस को ना उधर ले जाए, लेफ्ट हैंड साइड पे बचेगा अल्फा प्लस 2 बीटा और राइट हैंड साइड पे क्या होगा, कॉस इनवर्स 4/5। ठीक है, और अल्फा आपने क्या लेट किया था, ये बीटा आपने क्या लेट किया था, ये तो दोबारा ये पुट करना जो कि बराबर है राइट हैंड साइड के, सवाल आपका हो जाएगा। तो कोई नई चीज, हालांकि दूसरा मेथड था वो नया हो जाता है इसका, क्योंकि नया मैंने नहीं आप लोगों को बताया कि वही मेथड है, बस यहाँ पे 2 आ गया था, कोई मसला नहीं है, आपने डबल एंगल फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर लिया, वही जिस तरह वैल्यूज निकालते थे वैसी आपने वैल्यूज निकाली है, कोई नया काम नहीं किया यहाँ पे।
पार्ट नंबर फोर जो है बच्चों, ये बड़ा इजी सवाल है, आप आसानी से कर सकते हो। पार्ट नंबर फोर में देखो, लेफ्ट हैंड साइड पे भी कॉस इनवर्स है, राइट हैंड साइड पे भी कॉस इनवर्स है। जैसे यहाँ पे अलग फंक्शन थे ना तो मसला था, लेकिन पार्ट फोर में तो सेम फंक्शन है, वो मसला नहीं है। तो अगेन लेफ्ट हैंड साइड में पहली वाली टर्म को अल्फा लेट करना, दूसरी को बीटा लेट करना, वहां से कॉस अल्फा कॉस बीटा आ जाएगा। जब कॉस अल्फा कॉस बीटा आ जाए तो साइन अल्फा साइन बीटा निकाल लेना। फिर आप लिखोगे अल्फा प्लस बीटा, नहीं दरमियान में नेगेटिव आ रहा है ना, तो पार्ट नंबर फोर में आप लिखोगे अल्फा माइनस बीटा और फॉर्मूला लगा देना कॉस अल्फा माइनस बीटा, क्योंकि राइट हैंड साइड पे आपको कॉस इनवर्स नजर आ रहा है। तो फॉर्मूला अप्लाई करना, फिर बाद में कॉस को उधर ले जाना, कॉस इनवर्स हो जाएगा, आसानी से आप सॉल्व कर लोगे। तो ये देख लेना, जो सवाल ना हो ना तो मैं क्लास में सॉल्व करवा दूंगा, मसला नहीं है, लेकिन देख लेना इजी सवाल है, आप आसानी से कर सकते हो। तो पार्ट फोर भी आप लोग होमवर्क लेना, हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छी बात है कि नेट का इशू नहीं हुआ कोई। अच्छा पार्ट नंबर फाइव पे आ जाओ। पार्ट नंबर फाइव में वही भी बहुत अच्छे मालक है, लेकिन चलो करवा देता हूँ मैं। टू अपॉन थ्री इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 5/13। भाई वही काम करो, लेफ्ट हैंड साइड को पिक करो और लेट वाला काम करो जो अब बार बार आप लेट करते हो सवाल के अंदर। तो अब यहाँ पे लेट कर लो, अल्फा जो है वो बराबर है बस 2/3 के, तो टेंजेंट अल्फा बराबर हो जाएगा 2/3 के, सही है। अब अगर आप देखो, जब यहाँ पे आप इस पूरी चीज की जगह अल्फा पुट करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड आपकी हो जाएगी कॉस 2 अल्फा, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगी 2 अल्फा। जब यहाँ पे अल्फा पुट करोगे ना, जो आपने लेट किया है, जब पुट करोगे हो जाएगा 2 अल्फा, लेफ्ट हैंड साइड आपकी होगी 2 अल्फा। अब राइट हैंड साइड पे देखो क्या आ रहा है, कॉस आ रहा है, इसका मतलब आप 2 अल्फा का कॉस ले लेना यहाँ। जब 2 अल्फा का कॉस लोगे तो फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला होगा 2 cos² α - 1। खैर डिफरेंट फॉर्मूले इसके, लेकिन सबसे इजी फॉर्मूला क्या है कि एक फंक्शन की फॉर्म में आप लिखो इसको, आप साइन की फॉर्म में भी लिख सकते हो, कोई मसला नहीं है। तो ये जगह 2 cos² α - 1, सिर्फ आपको कॉस अल्फा पता होना चाहिए, सवाल आपका हो जाएगा। तो कॉस अल्फा कैसे निकालोगे, टेंजेंट अल्फा से। आप राइट ट्रायंगल बनाओ, टेंजेंट होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो हाइपोटेन्यूज की कैलकुलेशन दिखा देना कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर वही बराबर है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 4, तो हाइपोटेन्यूज आ जाएगा √13। यहां से आप निकालना कॉस अल्फा, कॉस अल्फा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अब आप कंसिडर करो कि आपकी जो ये पूरी चीज है आप पुट करो इसके अंदर, ये पूरा 2 अल्फा है, तो आप एक काम करो कॉस 2 अल्फा की वैल्यू निकाल लो। जब आप ये अल्फा इसकी जगह अल्फा पुट करोगे तो 2 अल्फा हो जाएगा ना ये, तो 2 अल्फा की कॉस की वैल्यू निकालो। फॉर्मूला क्या है, 2 cos² α - 1, 3/√13 का आपने क्या करना है, स्क्वायर करना है। स्क्वायर करो, 3 का स्क्वायर 9 और √13 का स्क्वायर 13, सॉल्व करो होगा 18/13। सॉल्व करना, यहाँ पे आंसर आपके पास आ रहा है 5/13, ठीक है। तो कॉस 2 अल्फा बराबर है 5/13 के, कॉस को उधर ले जाना तो 2 अल्फा बराबर जाएगा कॉस इनवर्स 13 के। तो आप खुद देखो कि राइट हैंड साइड आ गई है, और लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यूज पुट कर दो, अल्फा किसके बराबर था, अल्फा बराबर था टेंजेंट इनवर्स 2/√3। तो सवाल बच्चों आप लोगों का प्रूव हो जाएगा। पार्ट 7 और 8 तो बड़े इजी है, मैं एक ही पार्ट करवाऊंगा, समझ आ जाएगा आप लोगों को। पार्ट नंबर 6 देख लेते हैं, 6 में क्या करना है, sec इनवर्स लिखा हुआ है, cot इनवर्स लिखा हुआ, अब आपको वैल्यू निकालनी है यहाँ पे। अच्छा जी क्या करें यहाँ पे, अगर इसको एक फंक्शन बना दें तो जब अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला आएंगे आंसर आ जाएगा। एक फंक्शन जैसे बनाएंगे, sec अल्फा की वैल्यू निकाल ली, और सबसे इजी फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पे, पर देखो कॉट को तो आप टेंजेंट की फॉर्म में चेंज कर सकते हो, कॉट इनवर्स को, ये तो टेंजेंट हो जाएगा, तो sec इनवर्स को भी अगर हम टेंजेंट इनवर्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर लें तो फायदा हो जाएगा, क्योंकि टेंजेंट इनवर्स का हमें फॉर्मूला भी आता है। तो पार्ट नंबर 6 में आसान टेक्निक मैं आपको बताता हूँ, वैल्यू आपको पूरी निकालनी है, जब आपको वैल्यू निकालनी होती है इसका मतलब आप ऐसा फॉर्मूला अप्लाई करो कि जिसके आंसर में आपको 5/4 मिल रहा होगा। और फॉर्मूला कैसे अप्लाई करोगे, बेस्ट तरीका है इनको सेम कर लो, इनको सेम करने का तरीका क्या होगा, यार कॉट इनवर्स को तो मैं टेंजेंट इनवर्स लिख सकता हूँ ना, कि कॉट इनवर्स 3 बराबर होगा टेंजेंट इनवर्स 1/3 के, वैसे ब्रोगल कर लूंगा। कोशिश करो इसको भी किसी तरह टेंजेंट इनवर्स की फॉर्म में कन्वर्ट करो, कैसे करेंगे, आप लेट कर लो यहाँ पे कि अल्फा बराबर है sec इनवर्स √5/2, sec अल्फा बराबर हो जाएगा √5/2 के, वही घिसा पिटा काम हर सवाल में। sec क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, तो हाइपोटेन्यूज √5 है, बेस यहाँ पे 2 है,
परपेंडिकुलर कैसे निकालोगे? परपेंडिकुलर का फॉर्मूला होगा स्क्वायर रूट हाइपोटन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर 4। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे 1 आ रहा होगा, ठीक है। और एंगल यहाँ पे कंसीडर कर लो, ये पूरा एल्फ है क्योंकि एंगल के सामने परपेंडिकुलर होता है ना। उसके बाद क्या करना है, मैंने बोला था इस सेग को आपने कन्वर्ट करना है टेंजेंट की फॉर्म में ना, टेंजेंट की वैल्यू निकाल लेना। टेंजेंट अल्फा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है 1, बेस है यहाँ पे 2। अल्फा यहाँ पे हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स 1/2। तो यहाँ पे देखो अल्फा बराबर है सेक इनवर्स के, यहाँ पे अल्फा बराबर है टेंजेंट इनवर्स के, तो अल्टीमेटली सेक इनवर्स बराबर हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स के। तो सवाल में जहां सेक इनवर्स आ रहा था ना, ये उसकी जगह आप क्या लिख सकते हो? टेंजेंट इनवर्स लिख सकते हो। तो सवाल को आप दोबारा लिखो, सेक इनवर्स की जगह इनवर्स 1/2, ठीक है। जो कॉट इनवर्स है इसको आप कन्वर्ट करो टेंजेंट की फॉर्म में। टेंजेंट की फॉर्म में कैसे लिखोगे? अभी बताया था कि कॉट इनवर्स बराबर होगा टेंजेंट इनवर्स 1/3 के, जो वैल्यू है उसको आप रेसिप्रोकल कर दोगे। तो अब ये आपका सवाल बन गया। और बच्चों जब आपका सवाल बन जाए तो अब बड़ा इजी होता है, इस पे फॉर्मूला अप्लाई कर देते जो मैंने वहां पे लिखा हुआ था, अप्लाई कर देते फॉर्मूला। ये करने के बाद ना अब आप लेफ्ट हैंड साइड पिक करो, उसको सॉल्व करोगे तो आपके पास 5/4 आ जाएगा और फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। लेफ्ट हैंड साइड है टेंजेंट इनवर्स 1/2 प्लस टेंजेंट इनवर्स 1/3। अच्छा ये सवाल मैं पहले भी करवा चुका हूँ, एग्जैक्ट इन्हीं वैल्यूज के साथ मैंने करवा जिसके आंसर में 1 आ रहा था यहाँ पे। फॉर्मूला अप्लाई करोगे ना तो अगला स्टेप ये होगा। फॉर्मूला क्या था? टेंजेंट इनवर्स ए प्लस बी 1/2 प्लस 1/3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/2 मल्टीप्लाई 1/3। जाके देख लेना एग्जैक्ट ये करवा चुका हूँ मैं, पार्ट 1-2 में कहीं करवाया। तो इस पूरी चीज का आंसर आ रहा था 1, टेन इनवर्स 1 होता है 5/4 जो के बराबर है राइट हैंड साइड के। तो सवाल आपका प्रूव हो गया, सही। और यार आगे के पार्ट में भी आपको यही करना है, अगर आप पार्ट 7 देखो एग्जैक्ट टेन इनवर्स वाला कॉन्सेप्ट है। इसको अब मैं एक काम करता हूँ, पार्ट नंबर 7 करवा देता हूँ, पार्ट नंबर 8 देख लो अभी, पार्ट नंबर 8 देख लो फिलहाल। पार्ट नंबर 8 में क्या लिखा हुआ है? लेफ्ट हैंड साइड पे भी 2 टेंजेंट इनवर्स हैं, राइट हैंड साइड पे भी 2 टेंजेंट इनवर्स हैं। तो सिंपल आपने क्या करना, आप लेफ्ट हैंड साइड को पिक कर लेना। लेफ्ट हैंड साइड को पिक करोगे ये वाला फॉर्मूला लगाना, लेफ्ट हैंड साइड इसी किस्म की है ना, 2 टेंजेंट इनवर्स की टर्म है। तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई करना, सॉल्व करना और कैलकुलेटर से एंगल निकाल लेना, जो भी एंगल आ रहा होगा उसको 1 बोल देना। और लेफ्ट हैंड साइड को आप सिंप्लीफाई करके कैलकुलेटर से एंगल निकाल लेना और उसको 1 देना। फिर पार्ट नंबर 8 में आप क्या करोगे, राइट हैंड साइड पिक करोगे, राइट हैंड साइड में भी आपको 2 टेंजेंट इनवर्स नजर आ रहे हैं, वही काम करना, फॉर्मूला अप्लाई करना, सॉल्व करना, कैलकुलेटर से एंगल निकाल लेना। आप खुद देखोगे जो लेफ्ट हैंड साइड में एंगल आ रहा है और जो राइट हैंड साइड में एंगल आ रहा होगा वो इक्वल होगा। तो पार्ट 8 आपका प्रूव हो जाए। पार्ट नंबर 7 भी ऐसे ही करना है लेकिन उसमें 3 टेंजेंट इनवर्स की टर्म है, तो मैं आप लोगों को चलो बता देता हूँ किस तरह करना है, बाकी आप लोग किस तरह आसानी से हो जाएंगे। अच्छा जी, अब किस तरह सॉल्व होगा भाई? आपने यहाँ पे पिक करना है लेफ्ट हैंड साइड, प्रूफ की एडिंग डाल दो ज्यादा बेहतर है। तो लेफ्ट हैंड साइड पिक करो, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे अगर आप देखो ये 3 टर्म है, इन तीनों का आंसर आपने प्रूफ करना है कि 5/4 के बराबर। तो इन तीनों टर्म को ना आप एक काम करना, सबसे पहले यहाँ पे लिख लेना, लिखना बेहतर होता है। लेफ्ट हैंड साइड को पूरा लिख लेना, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में उसको सिंप्लीफाई करना जो मैं करने लगा हूँ। क्या आप शुरू की 2 टर्म पकड़ना और उस पर फॉर्मूला अप्लाई कर देना, फॉर्मूला आगे चलो मैंशन कर देना, फॉर्मूला ये वाला अप्लाई कर रहे हैं जो पहले भी आप लोगों को बताया था कि टेंजेंट इनवर्स की अगर 2 टर्म को ऐड करोगे तो बराबर होगा टेंजेंट इनवर्स ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 1 माइनस ए बी। ये वाला फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे जो अभी हम बहुत दफा अप्लाई कर चुके हैं। तो ये 2 टर्म है, जरा इन पे फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, क्या होगा? टेंजेंट इनवर्स ए प्लस बी, ए है 3/4, बी है यहाँ पे 3/5 डिवाइडेड बाय 1 माइनस ए बी। ये फॉर्मूला आपने अप्लाई कर दिया। और जो तीसरी टर्म है उसको फिलहाल ऐसे रहने दो, फिलहाल उसको छेड़ते नहीं है। अब जरा इसको मजीद सॉल्व करते हैं, ये आप जरा कैलकुलेटर में भी सॉल्व कर सकते हो, न्यूमरेटर अगर सॉल्व करोगे तो एलसीएम 20 आएगा, 15 हो जाएगा, 15 और 12 27। तो न्यूमरेटर में आ रहा होगा 27/20 और डिनोमिनेटर में आ रहा होगा 20 को अगर 1 से करो 20 20 माइनस 9 11, डिनोमिनेटर में आ रहा होगा 11/20। और ये वाले टर्म को एज इट इज कॉपी कर दो, 20 से 20 कैंसिल करो, आपके पास आंसर है टेंजेंट इनवर्स 27/11 और यहाँ पे लिखा हुआ है टेंजेंट इनवर्स 8/90। कितना सवाल लगा रखे इसमें। अब आप दोबारा फॉर्मूला अप्लाई करोगे, अगर दरमियान में नेगेटिव आ जाए, जैसे यहाँ दरमियान में पॉजिटिव था ना, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करते हो,
अगर दरमियान में नेगेटिव हो जाए फिर फॉर्मूले में क्या फर्क पड़ता है वो लिख लेना दोबारा फॉर्मूला, मैं बता देता हूँ क्या फॉर्मूला होगा। अगर यहाँ पे नेगेटिव आएगा ना तो फर्क ये होगा कि आप यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव, ये फर्क पड़ेगा। तो एक ऊपर फॉर्मूला मेंशन कर देना, एक नीचे मेंशन कर देना और अप्लाई कर दो इसको। फॉर्मूला क्या कहते हैं, बी को सब्ट्रैक्ट करना, ए यहाँ पे 27 अपॉन 11 माइनस बी है यहाँ पे 8 अपॉन 19 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 27 अपॉन 11 मल्टीप्लाई 8 अपॉन 19। 19 और 11 का एलसीएम मैं जब तक ढूंढता तो इसे बेहतर है कैलकुलेटर सॉल्व करते हैं। माइनस 8 अपॉन 19, तो कैलकुलेटर मुझे आंसर दे रहा है, बड़ा खतरनाक किस्म का आंसर आ रहा है, तो मिस्टेक तो नहीं हो गई। 425 अपॉन 209, ये कैलकुलेटर मुझे आंसर दे रहा है। डिनोमिनेटर को भी सॉल्व करते हैं, तो 425, अच्छा नहीं सही है, डिनोमिनेटर में भी ये आंसर आ रहा है। तो जो न्यूमिनेटर का आंसर है वो डिनोमिनेटर का आंसर है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। सिंपल आपके पास आंसर आएगा टेंजेंट इनवर्स 1, और अगेन वही बात, टेंजेंट इनवर्स 1 क्या होता है, पाई बाय 4 के बराबर होता है। और नेक्स्ट स्टेप में आप लिखोगे इक्वल टू राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में आपको ये प्रूफ करना था कि वैल्यू पूरी पाई बाय 4 है, तो लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे आ जाएगी राइट हैंड साइड के बराबर। सही, आखिरी क्वेश्चन बड़ा इजी है, मैं कोई एक पार्ट करवा देता हूँ, आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा क्या करना है इसके अंदर। जैसे पार्ट नंबर 2 है उस पर तो आप टेंजेंट इनवर्स का फॉर्मूला लगा सकते हो, डायरेक्ट यही वाला फॉर्मूला लगाना है। क्वेश्चन नंबर 5 का अगर आप पार्ट 2 देखो तो टेंजेंट इनवर्स वाई लिखा हुआ है प्लस टेंजेंट इनवर्स माइनस वाई लिखा हुआ है, इस पूरी वैल्यू को आपने 0 के बराबर प्रूफ करना है। तो जब लेफ्ट हैंड साइड पे फॉर्मूला लगाओगे ना प्लस वाला, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट नंबर 2 में, तो फॉर्मूला अप्लाई करोगे लेफ्ट हैंड साइड आपकी हो जाएगी टेंजेंट इनवर्स y माइनस वाई अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये हो जाएगी। ठीक है, तो कहने का मतलब न्यूमिनेटर तो आपका 0 हो गया ना, तो ये हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स 0, और टेंजेंट इनवर्स 0 कहाँ पे होता है, 0 के ऊपर होता है, और टेंजेंट के अंदर अगर आप 0 पुट करते हो ना तो उसका आंसर 0 आता है। तो टेंजेंट इनवर्स 0 कैलकुलेटर से भी निकालना 0 के बराबर होगा, और यही आपकी राइट हैंड साइड है। तो ये तो डायरेक्ट ये सवाल आएगा अभी नहीं, बहुत छोटा सा है। इसी तरह पार्ट नंबर 3 में भी आपने यही काम करना है, पार्ट नंबर 3 में भी आप कॉस इनवर्स का फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई कर दो, कॉस इनवर्स के फॉर्मूले भी बुक में लिखे हैं। मैंने आप लोगों को पहले क्वेश्चन में बताया था कि अगर फॉर्मूला अप्लाई नहीं करोगे तो फिर क्या दूसरा मेथड होगा, वो भी आप काम कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे आप कॉस इनवर्स का फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो। पार्ट नंबर 3 में ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना कॉस इनवर्स का, कॉस इनवर्स ए प्लस कॉस इनवर्स बी, इसका फॉर्मूला होता है कॉस इनवर्स ए बी माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो पार्ट नंबर 3 पे अप्लाई करना, ए यहाँ पे वाई है और बी यहाँ पे माइनस वाई है, तो आप इसमें ए की जगह वाई बी की जगह माइनस वाई पुट करना, इसको सॉल्व करना, देखना आपकी जो ये पूरी जो लेफ्ट हैंड साइड है ना पार्ट नंबर 3 के अंदर पूरी लेफ्ट हैंड साइड सिंप्लीफाई होकर ये हो जाएगी कॉस इनवर्स माइनस 1, और कॉस इनवर्स माइनस 1 होता है 180 डिग्री, मतलब पाए जो कि राइट हैंड साइड के बराबर है। तो पार्ट 2 पार्ट 3 पे तो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करोगे हो जाएगा। असल चीज है पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 4 को कैसे करना है, तो पार्ट 1 तो आपको दिखने में इजी लग रहा है, पार्ट नंबर 4 थोड़ा उसका मॉडिफाइड वर्जन है, तो पार्ट 4 मैं करवाता हूँ फिर ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ये लिखा बहुत ही सवाल है, वही लेट वाला आपने काम करना है, अगर आपको पता हो आप इस एक्सरसाइज में जहां पे भी इनवर्स आता है आप उसको लेट कर रहे हो, लेट कर लो इसको, लेट अल्फा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स वाई, तो कॉस अल्फा क्या हो जाएगा वाई के बराबर हो जाएगा। तो जब आप इस कॉस इनवर्स की जगह अल्फा पुट करोगे ना तो ये हो जाएगा 2 अल्फा, जब कॉस इनवर्स की जगह अल्फा पुट करोगे तो ये हो जाएगा 2 अल्फा। साइन 2 अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन 2 अल्फा का फॉर्मूला होता है 2 sin alpha cos alpha, मतलब साइन अल्फा और कॉस अल्फा आपको चाहिए, कॉस अल्फा तो मिल गया ना आपको, साइन अल्फा भी आप निकाल सकते हो, राइट ट्रायंगल बना के निकालना चाह रहे हो उस तरह निकाल लो कि y को आप लिख सकते हो y अपॉन 1, तो राइट ट्रायंगल बनाओ, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटन्यूज, तो बेस y हाइपोटन्यूज 1, परपेंडिकुलर निकालो, परपेंडिकुलर क्या होता है स्क्वायर रूट हाइपोटन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है ना, तो परपेंडिकुलर यहाँ पे आ रहा है स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो अब जरा साइन अल्फा की वैल्यू निकालो, साइन अल्फा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटन्यूज, परपेंडिकुलर स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, हाइपोटन्यूज 1 है, लिखो ना लिखो तो बात एक ही है, तो साइन अल्फा की आपके पास वैल्यू आ गई। अब आप क्या करो, ये जो पूरे आपके पास लिखा हुआ है ना साइन 2 कॉस इनवर्स वाई, इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो साइन 2 कॉस इनवर्स वाई की जगह आप क्या लिख सकते हो अल्फा, क्योंकि आपने अल्फा लेट किया था,
तो ये हो जाएगा टू साइन अल्फा कॉस अल्फा, साइन टू अल्फा का ये फॉर्मूला होता है। वैल्यूज पुट कर दो, साइन अल्फा की वैल्यू क्या आई है, स्क्वायर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर, और कॉस अल्फा की वैल्यू क्या है, वाई के बराबर, सिंपल। तो अगर आप देखो आपकी राइट हैंड साइड आ गई है, तो लेफ्ट हैंड साइड में आप दोबारा एलसी की जगह वैल्यू पुट कर दो, कॉस इनवर्स वाई इज इक्वल टू टू वाई स्क्वायर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर। इस तरीके से आप सॉल्व करोगे। तो सबसे पहले आप लेट करते हो, लेट करने के बाद आप फॉर्मूला ओपन करते हो, फॉर्मूला ओपन करने के बाद जो आपने लेट किया हुआ था ना सवाल में उसकी वैल्यू दोबारा पुट करते हो, तो आपका सवाल जो है पूरा प्रूव हो जाता है। तो इसका सवाल लाजमी आएगा, मॉडल पेपर में भी इसका एक सवाल आया हुआ था एक्सरसाइज का, तो पेपर में लाजमी इसका आएगा एक सवाल, आई गेस लॉन्ग में आया हुआ है, हाँ जहां तक मुझे याद आ रहा है लॉन्ग में। चैप्टर 12 जो है उसका शॉर्ट में भी सवाल आएगा, लॉन्ग में भी आएगा, चैप्टर नंबर 11 का भी शॉर्ट लॉन्ग दोनों में आता है। तो ये 11 12 काफी इंपॉर्टेंट है, इनका पेपर में वेटेज बहुत ज्यादा होता है।